हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। एंड इस वीडियो को बनाने का मकसद है बेसिकली ताकि आप लोगों को बार बार हर एक चैप्टर का वीडियो सर्च ना करना पड़े। एक वीडियो में सारा चैप्टर है एक्सेप्ट सिल्क रोड, जिसका आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, मेरे दोस्त का चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ प्लीज़ यार इंस्टा में जल्दी जल्दी 1K फॉलोअर करा दो। बहुत स्पेशल कुछ आने वाला है, तुम लोग सोच सकते हो क्या हो सकता है वो स्पेशल, गेस करो। बहुत जल्द आने वाला है, प्लीज़ 1K फॉलोअर इंस्टा में कंप्लीट करा दो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुकेशनल भैया। और यार तुम सब लोग कैसे हो मुझे कमेंट करके बताना। तो मेन मुद्दे पे आते हैं, हमारा जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, हमारे हॉर्नबिल बुक का, जो आपके क्लास 11th में यूज़ हो रहा होगा ऑफ कोर्स इंग्लिश के लिए। तो ये जो स्टोरी है इसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। इस स्टोरी में खुशवंत सिंह ने बताया है कि उनका और उनकी ग्रैंडमदर का रिलेशन कैसा था। मतलब यहाँ पे जो लेडी है वो उनकी ग्रैंडमदर है, और पोर्ट्रेट का मतलब होता है फ्रेम, फोटो फ्रेम, या फिर एक पिक्चर समझ लो। तो यहाँ पे बेसिकली खुशवंत सिंह अपने दादी के बारे में बताएंगे और उनका डिस्क्रिप्शन देंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जो लोग नए हो यार सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो कर ही देना, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, शेयर का ऑप्शन नीचे मिल जाएगा। तो स्टोरी शुरू करते हैं। यहाँ पे खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो दूसरों की ग्रैंड मदर की तरह ही एक ओल्ड लेडी थी, और वो अपने ग्रैंड मदर को पिछले 20 साल से जानते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि लोग उनकी ग्रैंड मदर के बारे में बातें करते थे कि वो एक समय में बहुत ही यंग और प्रिटी दिखा करती थी। और वो ये भी कहते थे कि उनका एक हस्बैंड भी था, पर ये सब बात उनके लिए हार्ड टू बिलीव था। मतलब वो इस सब बातों पे बिलीव नहीं कर सकते थे, यकीन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी मॉम जो थी, सॉरी उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो काफ़ी अगली दिखती थी, क्योंकि वो ऑफकोर्स एजेड हो गई थी। और उनके जो ग्रैंड फादर थे उनका भी पोर्ट्रेट यानी कि उनका तस्वीर लगा हुआ था उनका ड्राइंग रूम में, क्योंकि उनका डेथ हो गया था। अब वो बता रहे हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट यानी कि तस्वीर उनके ड्राइंग रूम में लगा हुआ था, उस तस्वीर में वो बड़े से टर्बन पहने हुए थे और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए थे, और उनकी लंबी लंबी वाइट दाढ़ियाँ भी थी जो उनके चेस्ट के कुछ पार्ट को कवर करता था, और वो कम से कम 100 साल के तो लगते ही थे। अब खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि उनके ग्रैंडफादर को देख के ये बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उनके बीबी बच्चे होंगे, बल्कि ये लगता था कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रेन होंगे, यानी कि वो काफ़ी एजेड दिखते थे। इसलिए वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी जो दादी थी वो एक समय में बहुत ही यंग और प्रिटी होगी। ये थॉट इसलिए बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्टिंग है, यानी कि इस चीज़ के अगेंस्ट जाता है, इसलिए वो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकते। फिर ऑथर कह रहे हैं कि उनकी दादी आती थी और उन्हें बताती थी कि वो जब छोटी थी बचपन में वो कैसे खेला करती थी। फिर वो बता रहे हैं ये सब सुन के उन्हें ऐसा लगता था, यानी कि ये सब सुन के उन्हें बहुत ही इलॉजिकल और डिसरिस्पेक्टफुल वाली फीलिंग आती थी, और ऐसा लगता था कि कोई सेंट यानी कि कोई पुजारी आके हमें मॉरल स्टोरीज पढ़ा रहा है। फिर ऑथर कह रहे हैं कि वो अपनी दादी को 20 साल से जानते हैं, और वो 20 साल से काफ़ी छोटी मोटी और थोड़ी बेंट है। यार बूढ़े लोग हल्के बेंट होते हैं, आप लोग पता ही होगा, मतलब एकदम सीधे नहीं होते हैं, एज के अनुसार ऐसा हो जाता है। तो वही अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं उनके पूरे फेस में किस क्रॉस था फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी कि पूरे फेस में क्रिस क्रॉस था, जो कि आमतौर पर बूढ़े लोगों में देखा जाता है। फिर वो बता रहे हैं कि वो इतनी ओल्ड थी, यानी कि उनकी दादी इतनी ओल्ड थी कि उससे ज़्यादा ओल्ड वो किसी को देखे ही ना हो, और वो कह रहे हैं कि पिछले 20 साल से उनमें कोई चेंजेस नहीं आए थे। फिर ऑथर बता रहे हैं कि उनकी दादी व्हाइट कलर का ड्रेस पहनकर घर में इधर उधर बहुत ही अजीब तरीके से चला करती थी। उनके एक हाथ में रुद्राक्ष का माला रहता था, रुद्राक्ष कह सकते हो, जिसे बार बार वो गिनते रहती थी, और दूसरा हाथ उनके वेस्ट में रहता था ताकि वो अपनी बॉडी को बैलेंस दे सके। वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी दादी का सिल्वर लॉक्स यानी कि हेयर, उनकी दादी का जो हेयर था वो काफ़ी अनटाइडी था, और वो हर समय गाना गाते रहती थी यानी कि प्रेयर गाते रहती थी, और बहुत ही इनऑडिबल वॉइस में, यानी कि उसे कोई सुन नहीं सकता था। फिर ऑथर कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी दादी सुंदर नहीं थी। हाँ वो सुंदर थी, कैसे सुंदर थी, लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, क्योंकि वो बहुत ही पीसफुल और काम थी।
फिर ऑथर बता रहे कि वो और उनकी ग्रैंड मदर बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जब से ऑथर के पेरेंट्स सिटी में रहने चले गए थे तब से वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे और उनकी ग्रैंड मदर ही उन्हें सुबह में उठाया करती थी, स्कूल के लिए रेडी किया करती थी, उन्हें नहलाया करती थी और साथ ही साथ स्कूल के लिए ड्रेसअप भी किया करती थी। और तब तक वो गाते रहती थी। और कौन सा गाती, मतलब क्या गाती थी, प्रेयर गाती थी भगवान के लिए, और वो बहुत ही अच्छी आवाज़ में गाती थी। वो ऑथर कह रहे हैं कि उन्हें उनका आवाज़ बहुत ही पसंद था पर उन्होंने कभी भी उस प्रेयर को सीखना नहीं चाहा। और उनकी दादी ये सोचती थी कि शायद ये मेरी गाना सुन सुन के ये प्रेयर को सीख ले, पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा। फिर ऑथर बता रहे हैं कि जब वो तैयार हो जाते थे स्कूल जाने के लिए तब उनकी दादी उन्हें वुडन स्लेट देती थी जो कि वो पहले से धो के रख देती थी। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जैसे हम लोग कॉपी यूज़ करते हैं, उस समय कॉपी यूज़ नहीं होता था, उस समय बच्चे वुडन स्लेट में लिखा करते थे, तो वही ऑथर भी बता रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि उनकी दादी उन्हें येल्लो चौक देती थी, अर्थन पॉट, इंक पॉट यानी कि मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट देती थी, साथ ही साथ रेड पेन देती थी और वो सबको एक बंडल में बांध कर उन्हें दे देती थी। और फिर उनका ब्रेकफास्ट पैक करके जिसमें एक चपाती होता था जिसमें बटर लगा हुआ रहता था और शुगर, बटर और शुगर लगा रहता था, उन्हें वो दे देती थी स्कूल ले जाने के लिए। और फिर वो कह रहे हैं कि कुछ ख़राब चपाती जो पिछले रात की होती थी उनकी दादी उसे रख लेती थी ताकि वो कुत्ते को दे सके जाते वक्त, स्कूल जाते वक्त। फिर ऑथर कह रहे कि उनकी ग्रैंड मदर हमेशा उन्हें स्कूल छोड़ने जाया करती थी और स्कूल के बगल में एक टेम्पल भी था। फिर वो कह रहे हैं कि वे पृष्ठ द्वारा अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखा करते थे। बस वही नहीं, उनके साथ साथ जो भी बच्चे आया करते थे वहाँ पे, वो सभी मिलकर एक जगह पे बैठकर वरांडा के बगल में सभी मिलके गाया करते थे मॉर्निंग प्रेयर को। और तब तक मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो बगल वाली टेम्पल्स में बैठ कर स्क्रिप्चर पढ़ा करती थी। और फिर वो कह रहे हैं जब हम लोग दोनों ख़त्म कर लेते थे अपने अपने काम को, फिर हम लोग दोनों साथ में डोर की तरफ बढ़ते थे और साथ ही साथ घर जाने लगते थे। फिर वो कह रहे हैं कि जब वो घर जाने लगते थे तब उनके पास जो सूखी रोटी रहती थी कल रात की, पिछले रात की, वो लोग दोनों लड़ते थे कि कौन पहले उस डॉग को देगा। फिर ऐसे वो लड़ते लड़ते घर को पहुंचते थे। अब ऑथर बता रहे कि जब उनके पेरेंट्स कम्प्लीटली सिटी में सेटल हो गए यानी कि उन्होंने वहाँ पे घर खरीद लिया और अलग अलग एसेट खरीद लिया, तब उनके और उनकी ग्रैंड मदर के फ्रेंडशिप के बीच में बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। ये अलग बात है कि अभी भी वो सेम ही रूम में सोया करते थे सिटी में, पर अब वो लोग दोनों साथ में स्कूल नहीं जा सकते थे क्योंकि ऑथर को लेने मोटर बस आता था जिसमें ऑथर जो थे वो बैठ के जाया करते थे। अब स्ट्रीट में कोई कुत्ते तो थे नहीं जिन्हें वो चपाती खिला सकते थे। अब उनकी दादी माँ का जो टाइम पास टाइम था वो क्या था, वो स्पैरोस जो थे उन्हें रोटियों के दाने या फिर ब्रेड के छोटे छोटे दाना दिया करती थी। और जब उनकी दादी को पता चला कि उनके स्कूल में गॉड एंड स्क्रिप्चर से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया जाता तो वो और भी उदास हो गई। फिर एक दिन जब ऑथर ने आके उनकी दादी को बताया कि उनके स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जा रहा है तो वो बहुत ही गुस्सा और अंदर से उदास भी हो गई क्योंकि उन्हें लगता था कि म्यूज़िक बहुत ही ख़राब चीज़ है और इसे बस बुरे लोग, भिखारी लोग और यही सब ऐसे ही लोग बस इसे मतलब गाया करते हैं और ये कोई जेंटलमैन जो है म्यूज़िक नहीं सीखा करता। उस समय लोग ऐसा मानते थे पर अभी ऐसा मानना बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोग म्यूज़िक के बल पे ही कहां से कहां पहुंच चुके हैं। तो आज के ज़माने में ये सब हो सकता है आप लोग रिलेट नहीं कर पाओ। तो आगे बढ़ते हैं। फिर वह बता रही कि धीरे धीरे साल पे साल बीतते गए और तब भी उनकी दादी ही उन्हें तैयार किया करती थी और स्कूल भेजा करती थी। वो ये भी बता रहे कि उनकी दादी उनसे हमेशा पूछा करती थी जब वो स्कूल से वापस आते थे कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा। फिर वो बताते थे अपने इंग्लिश वर्ड्स में कि उन्होंने साइंस एंड लर्निंग्स के बारे में पढ़ा, अबाउट लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फिर और बहुत कुछ पढ़ा। तो ये सब सुन के उनकी जो दादी थी वो काफ़ी अपसेट हो जाती थी, अनहैप्पी हो जाती थी क्योंकि उन्हें इन सब लेसन्स के बारे में कुछ नहीं पता था और वो इन सब चीज़ों को ऑथर को समझा भी नहीं सकती थी क्योंकि वो इन सब बातों से बहुत ही अनजान थी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वो बहुत ही अनजान थी। अब ऑथर यूनिवर्सिटी पढ़ने चले गए, वहाँ पे उन्हें सेपरेट रूम दे दिया गया। इससे क्या हुआ, उनके और उनकी ग्रैंड मदर के बीच में जो फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था अब वो भी ख़त्म हो गया।
ये सब के बाद ग्रैंडमदर, उनकी जो ग्रैंडमदर थी, उन्होंने प्रेजेंट सिचुएशन को समझा। उन्होंने जाना कि अब उन्हें प्राइवेट रहना पड़ेगा, दूसरों लोगों से दूर रहना पड़ेगा। इसलिए उनकी जो ग्रैंडमदर थी अब हमेशा स्पिनिंग व्हील के पास बैठे रहती थी, कुछ कुछ बुनते रहती थी, यानी कि स्पिन करते रहती थी। बस वो एक ही टाइम ब्रेक लेती थी, वो था दोपहर के समय, जब वो स्पैरोस को छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े दिया करती थी और वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ जो स्पैरो है वहाँ पे आके बैठा करते थे और उस छोटे छोटे ब्रेड के पीसेस को लिया करते थे और खाया करते थे। फिर ऑथर बता रहे हैं कि कुछ स्पैरोस आते थे और उनकी ग्रैंडमा के सिर पर, कुछ उनके पैर पर, कुछ उनके शोल्डर पर आके बैठ जाते थे। ये सब देख के उनकी ग्रैंडमा काफ़ी खुश होती थी और उन्हें कभी भी भगाती नहीं थी। मतलब वो जब स्पैरोस आके उनके ऊपर बैठते थे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। और ये जो दिन का उनका हाफ एन आवर था, जो जिस हाफ एन आवर में वो स्पैरोस को खाना देती थी और स्पैरोस आके उनके ऊपर बैठते थे, वो हाफ एन आवर उनके दिन का सबसे हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर था। फिर वो बता रहे हैं कि उन्हें फर्दर स्टडीज़ के लिए, यानी कि ऑथर जो है उन्हें फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड, यानी कि दूसरे कंट्री जाना था। और ये सब वो जानते थे कि ये बात जब मेरी ग्रैंडमा सुनेगी तो उन्हें काफ़ी दुखी, मतलब दुखी होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब उन्हें अकेला रहना पड़ेगा काफ़ी समय के लिए। और वो बता रहे कि उन्हें 5 साल के लिए मतलब फॉरेन जाना था। यहाँ पे ऑथर को डर भी लग रहा था कि जब वो 5 साल बाद वापस अपने घर लौटेंगे तो हो सकता है उनकी ग्रैंडमा जिंदा ना बचे, क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड हो गई थी। फिर वो बता रहे हैं कि उनकी ग्रैंडमा बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई जब वो उन्हें स्टेशन, रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रही थी। वो बहुत ही मतलब नॉर्मल बिहेव कर रही थी, कुछ वही मंत्र बड़बड़ा रही थी वो जो हमेशा बड़बड़ाती थी। फिर वो रुद्राक्ष का जो माला होता है उसे गिन रही थी और उनके साथ आए जा रही थी। एट द लास्ट मोमेंट वो बस उनके सिर पे किस करती है और ट्रेन वहाँ से चला जाता है। यानी कि ये जो उन्होंने किस किया ग्रैंडमा ने उनके फोरहेड पे, ऑथर के फोरहेड पे, ये लास्ट साइन था फिजिकल कॉन्टैक्ट का। ऐसे ऑथर को लग रहा था कि हो सकता है अब मैं वापस ग्रैंडमा से नहीं मिल पाऊँ कभी, तो हो सकता है ये मेरे और ग्रैंडमा के बीच में जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है ये लास्ट है। पर ऐसा नहीं होता है। ऑथर कुछ समय बाद, यानी कि 5 साल बाद, वापस अपने घर लौटते हैं। ऑथर अपनी ग्रैंडमा को उसी स्टेशन पे मिलते हैं। फिर वो जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें देख के ऐसा लग रहा था मानो इन 5 साल में कुछ चेंज हुआ ही ना हो। वो अभी भी वही मंत्र बड़बड़ा रही थी, हाथ में रुद्राक्ष का माला लेके उसे गिन रही थी, और मतलब सब कुछ सेम था, कुछ भी अंतर नहीं आया था। और इस जब वो ऑथर जो है उनके अपने घर जाते हैं तब वो देखते हैं कि इस बार भी उनका जो हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर है वो वही है, स्पैरोस को खाना देना और जब स्पैरोस आके उनके ऊपर बैठते हैं। बस इस बार उन्होंने बस एक ही चेंज नोटिस किया, जब ग्रैंडमा ने आसपास की वोमेन को इकट्ठा किया और वो सब मिलके ड्रम बजाने लगे, गाना गाने लगे, तो ये सब देख के ऑथर को थोड़ा सा अलग लगा। बाकी सब कुछ सेम था, उनका रूम भी एकदम सेम था जैसा वो छोड़ के गए थे। अब कुछ लोग पूछेंगे कि भला वो ऐसा क्यों कर रही थी, ड्रम क्यों बजा रही थी, औरतों को बुला के ऐसा ऐसा क्यों कर रही थी, तो यार इसका बस एक ही आंसर है, इट्स हर चॉइस। अब देखो क्या हुआ, उनकी जो दादी थी वो ढोल को जोर जोर से बजा रही थी और बजाते जा रही थी बहुत देर तक, और वो गाना भी गा रही थी। वो क्या गा रही थी, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, यानी कि जो ब्रेव लोग हैं, जो वॉरियर्स हैं उनके उनके ब्रेवरी के बारे में, ये सब वो गाना गा रही थी। ये सब देखने के बाद ऑथर है और उनकी जो मदर है वो सब आके उनकी ग्रैंडमा को परस्यूड करती है, यानी कि रिक्वेस्ट करती है कि आप ये सब करना बंद करो, कोई भी काम को लगातार मत करो, यानी कि ओवर स्ट्रेनिंग मत करो। पर ये सब सुनने के बाद भी उनके ग्रैंडमा नहीं रुकती है, और ऑथर बता रहे हैं कि उन्होंने पहली बार ग्रैंडमा को इस रूप में देखा था जब वो प्रे नहीं कर रही थी, वरना पहले वो जब भी ग्रैंडमा को देखते थे तो वो हमेशा प्रे करते रहती थी। और पहली बार उन्होंने देखा कि उनकी ग्रैंडमा जो है वो गा रही है और ड्रम बजा रही है, ढोल बजा रही है। फिर उन्हें ये भी बात ऑफकोर्स आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ समय पहले बताया था कि उनकी ग्रैंडमा बोलती है कि ये गाना गाना और ये सब अच्छा काम नहीं है, मैंने बताया था आपको। तो ऐसा ऑथर ने देखा कि उनकी ग्रैंडमा खुद ऐसा कर रही है तो उन्हें भी काफ़ी अजीब सा लगा। अगला दिन क्या होता है कि उनकी ग्रैंडमा बीमार पड़ जाती है। ये सब देखने के बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा को मिल्ड फीवर, यानी कि हल्का बुखार है जो कि जल्दी ठीक हो जाएगा। पर उनकी ग्रैंडमदर जो थी वो अलग ढंग से सोचती है और कहती है कि मेरा एंड अब नियर है, यानी कि मेरा डेथ होने वाला है, इसलिए वो अब प्रे नहीं करना चाहती, नहीं तुम लोगों से, यानी कि ऑथर से और उनकी मम्मी से बात कर टाइम वेस्ट करना चाहती है। वो बस सोए रहना चाहती है अपने बेड में और जाप करना चाहती है।
और वो वैसा ही करती है। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, यानी कि ऑथर और ऑथर की मम्मी प्रोटेस्ट करती है कि प्लीज़ आप हमसे बात करें और ऐसा ना सोचो। पर फिर भी उनकी जो ग्रैंडमा जो थी वो किसी का भी प्रोटेस्ट को इग्नोर कर देती है और वो अपने में व्यस्त रहती है, वो माला का जाप करने लगती है। फिर कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि वो साइलेंट हो गई है, यानी कि वो अब माला का जाप नहीं कर रही है, उनका लिप्स साइलेंट हो गया है और उनके हाथ में जो माला था, हो सकता है रुद्राक्ष, वो जो था वो गिर जाता है। तो ये सब देख के हम जान जाते हैं कि अब उनका डेथ हो चुका है। फिर ऑथर की ग्रैंडमा को रीति रिवाज के अनुसार बेड से उतारा गया, जमीन पे रखा गया, उन्हें रेड श्राउड यानी कि लाल कलर के कपड़े से कवर किया गया और हम सभी यानी कि ऑथर, ऑथर की मम्मी और फैमिली में जो भी लोग थे सभी चले गए उनकी फ्यूनरल की अरेंजमेंट के लिए। यानी कि जो जलाया जाता है मुर्दों को, आपको पता ही होगा, जो जिनका डेथ हो जाता है उन्हें जलाया जाता है, हिंदू रिचुअल्स में ऐसा होता है। तो उसी के लिए, इस अरेंजमेंट के लिए सभी लोग चले गए कुछ घंटों के लिए और फिर सारे अरेंजमेंट करके वे आते हैं। फिर शाम को पूरा परिवार दादी माँ के डेड बॉडी के पास आता है, दादी माँ के डेड बॉडी को स्ट्रेचर पर लेटाते हैं। फिर वो एक बात की और जिक्र कर रहे हैं कि उस समय जो सन की लाइट थी वो काफ़ी डेंस थी, उस समय सन सेट कर रहा था, ऑफकोर्स इवनिंग का टाइम था, और उस समय जो लाइट था वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा था और उनके डेड बॉडी के पास पूरा लाइट बिखरा पड़ा था। फिर वो एक और चीज़ पे गौर करते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज उनकी दादी माँ के डेड बॉडी के आसपास बैठे हुए हैं। ये सब देख के उन्हें काफ़ी अजीब सा लगता है। फिर उनकी जो ऑथर की जो मॉम है वो स्पैरोज को देखती है और उन्हें अंदर से थोड़ा दया सा आता है, इसलिए उनकी मॉम ब्रेड के क्रम्स को लेके आती है और स्पैरोज के सामने बिखेर देती है। पर एक भी स्पैरो जो था वो ब्रेड क्रम्स की ओर ध्यान नहीं देता है और सभी के सभी स्पैरोज जो थे वो बिल्कुल शांति से डेड बॉडी के पास बैठे हुए थे। फिर अगला दिन सुबह होता है, उनके फ्यूनरल यानी कि दादी माँ के जो भी रीति रिवाज है उसे पूरा किया जाता है। फिर स्पैरो वहाँ से, जो जितने भी स्पैरोज थे वहाँ से उड़ के चले जाते हैं। वहाँ पे स्वीपर आता है, सारे ब्रेड के क्रम्स को एक जगह कलेक्ट करता है, फिर उसे डस्टबिन में डाल देता है। और गाइज इस तरह से हमारी स्टोरी खत्म होती है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल आर टुगेदर। यार ये जो बात है ये काफी डीप थिंकिंग है, यानी कि जिसने भी इसे लिखा होगा या फिर जिसने भी इसे बोला होगा वो सिचुएशन बहुत ही हार्श होगा, बहुत ही मुश्किल भरा वो सिचुएशन होगा। तो किसने लिखा, क्यों लिखा, हम सब जानेंगे। और यार आज की जो स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इस सुंदर से चैप्टर को लिखा है ग्रैडन कुक एंड एलन ईस्ट ने। हमारे चैप्टर के जो नरेटर हैं वो बता रहे हैं कि जुलाई 1976 में उनकी वाइफ जिनका नाम मैरी था, उनका एक बेटा जो कि 6 साल का था और उसका नाम जोनाथन था, और उनकी एक बेटी जिसका नाम सुजैन था और वो 7 साल की थी, वे सभी एक सिप राउंड में यानी कि एक सी जर्नी के लिए निकले थे और वो डुप्लीकेट करना चाहते थे एक बहुत ही फेमस आदमी का जर्नी को, जिसका नाम था जेम्स कुक, जिन्होंने 200 साल पहले पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगाया था। तो उनका भी यही मकसद था कि वो भी पूरे एक वर्ल्ड का चक्कर लगाएं। उनकी पूरी फैमिली इस काम के लिए निकली थी। फिर यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उनका एक बोर्ड था जिसका नाम था वेव वाकर, जो कि 23 मीटर लंबा था और 30 टन का था, और वो बहुत ही अच्छा से वुडन ब्यूटी था, यानी कि वुडन से बहुत ही अच्छा से बिल्ट था। और वो ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने इस बोट को एकदम हार्डेस्ट वेदर पे जाके टेस्ट किया था और ये बोट एकदम सही निकला था, यानी कि ये बोट हार्डेस्ट ऑफ द हार्डेस्ट वेदर में भी सही टिक सकता था। हमारे नरेटर 37 ईयर्स ओल्ड एक बिजनेसमैन है और उन्होंने 16 साल ब्रिटिश वाटर में बिताया है ताकि वो एक अच्छे कैप्टन बन सके और सी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके, ताकि जब वो पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगाए तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले नरेटर ने 3 साल की जर्नी तय की जो कि 1,05,000 किलोमीटर का था, और इसमें वे कोस्टल टाउन ऑफ अफ्रीका से केप टाउन जा रहे थे, और वो बता रहे कि ये जर्नी बहुत ही आराम से कट भी गया। अब उन्हें ईस्ट की तरफ जाना था। अब वो बता रहे कि ईस्ट की तरफ द साउदर्न इंडियन ओशियन था, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द रफेस्ट सी है। फिर वो बता रहे कि इसे क्रॉस करने के लिए उन्होंने 2 क्रूमैन को लिया, क्रूमैन जो कि बोट चला सकते हैं, नॉर्मल आदमी जिन्हें बोट चलाना आता है वो क्रूमैन होते हैं। तो यहाँ पे वो दोनों क्रूमैन का नेम है, पहला आदमी का नाम है अमेरिकन लैरी विजगिल और दूसरा का नाम है स्विस हर्ब साइगलर। काफी वियर्ड नेम है ना। जब नरेटर और उनकी पूरी फैमिली साथ साथ 2 क्रूमैन
बोट में जाते हैं, केप टाउन को लीव करते हैं, उसके अगले दिन ही उन्हें स्ट्रॉन्ग गेल्स और वेव्स का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ गेल्स का क्या मतलब हुआ? स्ट्रॉन्ग विंड। उन्हें स्ट्रॉन्ग विंड और वेव्स का सामना करना पड़ रहा था, पर यहाँ नरेटर बता रहे कि उन्हें स्ट्रॉन्ग गेल्स यानी कि विंड से कोई मतलब नहीं थी, क्योंकि उनका सिर्फ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड था, उन्हें स्ट्रॉन्ग एयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उन्हें डर लग रही थी वेव से। और वेव जो था वो 15 मीटर लंबा लंबा वेव आ रहा था, जो कि उनके शिप के मेन मास्ट से भी ज़्यादा था। मेन मास्ट क्या होता है? जो शिप के आगे झंडा टाइप लगा रहता है पोल में, तो वो होता है मेन मास्ट। तो वो कह रहे उनका मेन मास्ट से भी बड़ा वो जो वेव्स था, इसलिए उन्हें डर लग रहा था कि उनका बोट कहीं डूब ना जाए। वो बता रहे क्रिसमस के समय यानी कि दिसंबर 25 को वो केप टाउन से 3500 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे सी में, ओशियन में, और वो बता रहे कि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था। वो बताते हैं कि क्रिसमस के टाइम में उन्होंने अपने जो शिप था उनका या जो बोट था वेव वॉकर, उसमें उन्होंने एक क्रिसमस ट्री भी प्लांट किया था। और वो बताते हैं जब न्यू ईयर आया यानी कि 1 जनवरी को, वो जो मौसम था उस मौसम में चेंज देखने को मिला, और चेंज ये था कि मौसम और भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और ये बात तो और भी ज़्यादा बिगड़ गई जब 2 जनवरी आया, जब वेव जो था वो इतना बड़ा था कि सोच से भी हमारे बाहर हो। इस पॉइंट में नरेटर बता रहे हैं कि उस समय वेव वाकर यानी कि उनके बोट में बस छोटा सा जिब लगा हुआ था। जिब क्या होता है? जिब, JIB, इसका मतलब होता है एक कपड़ा जो शिप के ऊपर लगा रहता है झंडा के तरह, वो जिब होता है। तो वो कह रहे कि उस समय बहुत छोटा सा जिब लगा हुआ था, और वो बता रहे कि वेव्स बहुत बड़ी थी, और वो उनका बोट जब भी उन वेव्स के ऊपर जा रहा था तो उन्हें काफ़ी डर लग रहा था। उन्हें बहुत वास्ट ओशियन देखने को मिल रहा था जो लगातार उनकी तरफ बढ़ते चला आ रहा था, और जो उस समय साउंड थी उस वाटर की वो बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से आ रही थी, जिनकी वजह से उनका ईयर्स में पेन हो रहा था। फिर भी उनकी जो बोट है वो 8 knots की स्पीड से बढ़े चली जा रही थी, और वो कह रहे हैं कि उन्हें बोट को स्लो करना था, जिसकी वजह से उन्होंने बचे खुचे जिब को भी उतार दिया, यानी कि उस कपड़े को जो झंडे की तरह लगा रहता है बोट के आगे, उसे उन्होंने उतार दिया ताकि उनका बोट थोड़ा स्लो हो सके। उस बोट के अंदर जो 6 लोग थे उन सभी ने अपने आप को डबल लास्ट किया, यानी कि रोप से अपने आप को 2 बार बांध लिया ताकि वो सेफ रहे। उन्होंने लाइफलाइन भी अपने में अटैच कर ली, उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहन लिया, और वो वहाँ पे स्थिर रहे, यानी कि उन्होंने अब फिर वेट किया। और उसी दिन शाम को 6 बजे वो टाइम होता है जिस समय उन्हें इंडिकेशन मिलता है एक बहुत बड़े खतरनाक डिजास्टर का। अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस समय शाम को 6 बजे चारों तरफ अचानक से थोड़ा सा साइलेंस हो जाता है, और उस साइलेंस कोई नॉर्मल साइलेंस नहीं होता है बल्कि ओमिनियस साइलेंस होता है। ओमिनियस का मतलब होता है अनप्लीजेंट साइलेंट, या फिर एक थ्रेटनिंग साइलेंट, डरावनी और अनप्लीजेंट साइलेंट होती है। वो कोई ऐसे साइलेंट नहीं होती है कि अब वेव सब चला गया, विंड चला गया, अब उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये साइलेंट ऐसी होती है जैसे कि और डर लग जाए। और फिर अचानक से बहुत तेज की बिजली कड़कती है और सामने से ब्लैक क्लाउड्स भी आ जाते हैं विथ अ हॉरर, यानी कि एकदम डरावनी टाइप से। फिर मैं गौर करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये कोई क्लाउड नहीं था, यानी कि ये ब्लैक क्लाउड नहीं था, बल्कि एक ह्यूज वेव था। और ये वेव इतना बड़ा था कि इस मतलब उनके शिप के साइज का डबल वेव था। और फिर वो बता रहे हैं जब ये वेव उनके शिप से टकराया तो पहले उन्हें लगा कि उनका शिप इससे निकल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, पर थोड़ा देर बाद उन्हें पता चलता है कि उनके शिप के अंदर पानी घुस गया, उनका शिप टूट गया है। और वो उनके साथ एक और हादसा होता है कि वो बोट के अंदर लगे जो व्हील होता है जिससे बोट कंट्रोल होता है उसमें जाके टकरा जाते हैं, उनके सिर पे चोट आ जाती है। यहाँ पे नरेटर को लगता है कि अब उनका डेथ नज़दीक आ गया है, और वो उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, और वो धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगते हैं, यानी कि वो बेहोश होने लगते हैं और अपने आप से काबू खोने लगते हैं ऐसा कुछ, और वो धीरे धीरे उस वेव्स के अंदर धंसने भी लगते हैं। यानी कि हमें ये पता चलता है कि वो उस शिप से गिर चुके हैं और वो उस पानी में है। फिर वो बताते हैं अचानक से एक और वेव आता है और वो वेव उनको ऊपर की तरफ पुश कर देता है, और उनका जो वेव वाकर शिप था वो काफ़ी नज़दीक होता है, जिसके कारण वो वापस से उस पानी से डायरेक्ट बोट में आ जाते हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने लाइफलाइन पहनी हुई थी, लाइफलाइन यानी कि उन्होंने वो रोप बांधा हुआ था जिसके वजह से वो बच जाते हैं, और वो जब पानी ऊपर आता है तो वो बोट उन्हें उनकी तरफ खींच लेता है। और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस वेव ने उन्हें ऐसे टॉस किया मानो कि वो कोई रैग डॉल हो। हमारे नरेटर का लेफ्ट रिब केस थोड़ा टूट गया था और उनके मुंह से खून गिर रहा था, उनके दांत भी टूट गए थे। यहाँ पे वो ये बता रहे कि अब वो जैसे तैसे उस व्हील के पास गए जिससे बोट कंट्रोल होता है, उन्होंने बोट को सही किया
और उसके बाद वहीं पे थोड़ा देर हैंग ऑन किए, यानी कि रुक गए। हमारे नरेटर कहते हैं वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी कि चारों तरफ पानी ही पानी है। वो बता रहे हैं कि उन्हें लगता है कि उनका सिर पानी से भरे जा रहा है, पर फिर वो कहते हैं कि उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो नीचे जाके देख सके। तभी सामने वाली डेक से दरवाजा खुलने का आवाज आता है। ऑथर देखते हैं कि उनकी वाइफ मैरी उनके सामने आती है और चिल्ला के कहती है कि हम डूब रहे हैं, हमारा जो डेक है वो टूट चुका है और जितना भी पानी है यानी कि वाटर वो हमारे बोट के अंदर आ रहा है। तो वो चिल्ला के कहते हैं कि तुम ये यानी कि ये व्हील पकड़ो और मैं तुरंत देख के आता हूँ कि नीचे क्या हो रहा है। तभी वो देखते हैं नीचे जाके कि लैरी और हर्ब यानी कि वो दो क्रूमैन जो थे वो दोनों एकदम पागलों की तरह पानी सिप से बाहर फेंक रहे थे, बाल्टी उठा रहे थे, पानी भर रहे थे और सिप के बाहर फेंक रहे थे। फिर वो देखते हैं कि पानी में यानी कि उनके आसपास जो समुद्र है वहाँ पे बहुत सारा चीज़ तैर रहा है, जैसे कि क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन, टॉयज, ये सभी चीज़ तैर रहा है। तो उन्हें डर लगता है कि कहीं उनके बेटे मतलब उनके जो बच्चे हैं वो भी कहीं डूब तो नहीं गए, इसलिए वो जैसे तैसे बहुत ही कठिनाई से वो उन अपने बच्चों के रूम के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या तुम लोग ठीक हो। तभी ऊपर से आंसर आता है यानी कि वो लोग ऊपर में चढ़े हुए रहते हैं और वहाँ से चिल्ला के कहते हैं कि हाँ हम सब ठीक है। हाँ बट ऑथर की बेटी जिसका नाम सुजैन था उसके फोरहेड के जस्ट नीचे और आइस के जस्ट ऊपर एक छोटा सा बम्प सा हो गया था जिससे खून भी बह रहा था, पर ऑथर के पास इतना ध्यान नहीं था कि वो उस छोटे से बम्प पे ध्यान दे, इसलिए वो सबसे पहले हैमर, स्क्रू और कैनवस जैसी चीज़ों को ढूंढते हैं ताकि वो उनके सिप में जो होल है उसे रिपेयर कर सके, स्टारबोर्ड को रिपेयर कर सके, और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो टेम्प्रोरी कवर बना देते हैं। इसके बाद ऐसा नहीं होता कि पानी अंदर नहीं आ रहा होता है, हाँ पानी अंदर आ रहा होता है पर ज़्यादातर पार्ट ऑफ जो वाटर जो था जो पहले आ रहा था उससे बहुत मतलब बहुत गुना घट जाता है, यानी कि अब पानी जो अंदर आ रहा था वो बहुत ही सीमित मात्रा में आ रहा था। उसके बाद जो अगला प्रॉब्लम होता है वो होता है हैंडपम्प, जो कि ब्लॉक हो जाता है आसपास की गंदगी के कारण और पानी ज़्यादा घुसने के कारण और जो समुद्र का मिट्टी है उसके भी कारण हम कह सकते हैं, उसके कारण हैंडपम्प ब्लॉक हो जाता है और शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है उनके सिप पे। फिर उन्हें याद आता है कि हाँ उनके पास दो स्पेयर हैंडपम्प्स थे उनके केबिन में, फिर वो वहाँ पे जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका दोनों जो हैंडपम्प था वो दोनों टूट चुका है इस एक्सीडेंट के कारण। और वो देखते हैं कि बस यही नहीं बल्कि उनका जो जिप था और मेन एंकर था और भी कुछ कुछ चीज़ें वो सभी टूट चुकी है। शुरू करते हैं। तो हमने अपने पिछले वीडियो के एक्सप्लेनेशन में देखा था कि हमारे जो ऑथर होते हैं उनका सिप ऑलमोस्ट डूबने वाला होता है, बट कैसे कैसे करके उनकी पूरी फैमिली का कंस्ट्रीब्यूशन होता है कि उनका सिप बच जाता है। कौन कौन होते हैं? लैरी, हर्ब, ऑथर और ऑथर की पूरी फैमिली मिलके उस सिप को बचाने में जुट जाती है और वो लोग ऑलमोस्ट उस सिप को बचा ही लेते हैं। हमारे जो ऑथर होते हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर लगा देते हैं उस सिप में ताकि वो सिप चल जाए, एंड बहुत अच्छी बात ये होती है कि इलेक्ट्रिक मोटर भी काम कर रहा होता है। अब ऑथर बता रहे हैं कि उस रात को वो जो रात था वो बिल्कुल एंडलेस लग रहा था, बहुत ही ठंडा रात था, मतलब बहुत ही ठंडा ठंडा हवा चल रहा था और वो रेडियो के साथ लगातार काम कर रहे थे ताकि वो किसी से कॉन्टैक्ट कर पाए। वो मेडे कॉल्स भी लगा रहे थे और रिप्लाई का वेट कर रहे थे। अब मेडे कॉल्स क्या होता है? एक सिप दूसरा सिप को मदद करने के लिए बुलाता है, उसे मेडे कॉल्स कहते हैं। पर वो लोग जो थे ना वो लोग बहुत सी के बहुत ही मिडिल में थे या फिर सी में बहुत ही अजीब जगह पे थे जहाँ कोई सिग्नल नहीं आ रहा था, एंड उन्हें सरप्राइज फील नहीं हुआ कि उन्हें क्यों रिप्लाई नहीं आ रहा है मेडे कॉल का। उन्हें पता ही था कि वो बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरिया में है एंड सिग्नल यानी कि रिप्लाई आने वाला नहीं है। फिर ऑथर देखते हैं कि उनकी जो बेटी होती है जिसका नाम सुई होता है उसका दोनों आईज पूरा ब्लैक हो जाता है और उसके आर्म पे एक डीप कट भी होता है। फिर ऑथर पूछते हैं कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तो उनकी बेटी सुई कहती है कि वो नहीं डिस्टर्ब करना चाहती थी ऑथर को जब वो इतना बिजी हो और हम सबको बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, उस वक्त आके मैं आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी।
अब आता है 3 जनवरी। यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि उनके शिप में जो पंप्स थे उसके वजह से उनका शिप का वाटर लेवल, शिप के अंदर जो वाटर लेवल था वो कंट्रोल में था। और फिर ऑथर का नजर जाता है वाटर लाइन के ऊपर और वो गौर करते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ पे थोड़ा सा लीकेज है और उसके वजह से क्या होता है कि उनके शिप का जो मेन बोर्ड था वो पूरी तरह से टूट जाता है और बर्बाद हो जाता है। बस कुछ ही कबर्ड के जो सेक्शंस थे, पार्टीशंस थे, वो उनके शिप को बचा के रखा हुआ था उतने टाइम से। और फिर ऑथर कहते हैं कि पिछले 15 घंटा से वो तो जिंदा बचे हुए हैं, पर अब उनका जो शिप है वेव वाकर, वो और ज़्यादा उन्हें नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि अगर जैसे ही वो जो कबर्ड का सेक्शन है जो उनके शिप को बचाया हुआ है वो टूट गया तो पूरा पानी अंदर आ जाएगा शिप के अंदर और वो लोग डूब जाएंगे। हमारे ऑथर चार्ट्स को निकालते हैं और कैलकुलेट करते हैं, एक आइलैंड को ढूंढते हैं अपने आसपास जो कि उनसे कुछ 100 किलोमीटर्स आगे थी ईस्ट की तरफ। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि वहाँ पे 2 आइलैंड है जिसमें से एक है एल एमस्टरडम की फ्रेंच साइंटिस्ट का बेस था। अब ऑथर ये बता रहे हैं कि ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि उतने वास्ट ओशियन में उन्हें एक छोटा सा आइलैंड ढूंढना होगा और ये कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। वो ये भी बताते हैं कि उनका जो ऑक्सिलरी इंजन था वो भी वेव के कारण खत्म यानी कि बर्बाद हो चुका था, यानी कि बंद हो चुका था। अब आता है अगला दिन 4 जनवरी और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि पिछले 36 घंटा से 36 आवर से वो लोग कंटिन्यूसली बस पानी को बाहर फेंके जा रहे थे और अब उनके शिप के अंदर बस कुछ सेंटीमीटर्स के ही पानी बचे थे। फिर भी वो कहते हैं कि वो अपने बोट पे सेल नहीं लगाएंगे। सेल मतलब मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, वो पर्दा टाइप का जो होता है शिप के आगे लगता है, झंडा टाइप का। तो वो बोले कि वो अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो हो सकता है उसका प्रेशर शिप नहीं झेल पाए और शिप डूब जाए। अभी देखो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, मैं कभी शिप बोल रहा हूँ, कभी बोट बोल रहा हूँ, कभी वेव वाकर बोल रहा हूँ, ये तीनों एक ही चीज़ है। इस स्टोरी के लिए तुम लोग तीनों एक ही चीज़ समझो, ठीक है। अब ऑथर बोल रहे हैं कि वो छोटा सा स्टॉर्म जिब लगाते हैं और वो दो को जो आइलैंड था उस और उस डायरेक्शन में बस बढ़े चले जाते हैं। फिर वो बता रहे हैं कि काफ़ी टाइम बाद मैरी को उस शिप के अंदर से यानी कि वेव वाकर के अंदर से कुछ खाने का सामान मिलता है, फॉर एग्जांपल क्रैकर, बिस्किट और कॉर्न्ड बीफ। वैसे देखो मैंने इंडिया में जहाँ तक मुझे पता है मैंने ये चीज़ नहीं खाया है। अब ऑथर बता रहे हैं कि पिछले 2 दिन बाद वो खाना खा रहे हैं, पिछले 2 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। पर अब ऑथर बता रहे हैं कि वो जो रिलैक्सेशन पीरियड था वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए था क्योंकि उसी दिन 4 जनवरी को 4 PM में यानी कि 4 बजे शाम को वापस से ब्लैक क्लाउड्स आ जाता है और काफ़ी तेज विंड ब्लो करने लगता है 40 नॉट्स के स्पीड से और उनका जो सी था वो हाइयर एंड हाइयर होते जा रहा था, यानी कि वेव्स जो था वो बहुत ही ऊंची ऊंची वेव्स आ रही थी। और जैसे जैसे रात होते जा रहा था वैसे वैसे वेदर जो था वो और ख़राब होते जा रहा था और 5 जनवरी आते आते तक तो पूरा सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया। अब ऑथर अपने बच्चों के पास जाते हैं, तभी जोनाथन यानी कि उनका बेटा पूछता है कि डैडी क्या आज हम लोग मरने वाले हैं? तो फिर ऑथर रिप्लाई करते हैं और एश्योर करते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। फिर वो जो उनका बेटा होता है वो कंटिन्यू करता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं डर बिल्कुल नहीं रहा हूँ, वी आरेंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू मम्मी स्यू एंड आई। यानी कि वो ये कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लग रहा अगर हम सब साथ हैं तो। फिर ऑथर बोलते हैं कि ये सुनने के बाद उनके पास कोई वर्ड नहीं था बोलने के लिए, इसलिए वो अपने चिल्ड्रन के केबिन से निकलते हैं और वो फाइट करने चल जाते हैं। किससे? उस सी से। कैसे फाइट करेंगे? उस आइलैंड को ढूंढ के। और वो पूरे अपने काम में लग जाते हैं उस आइलैंड को ढूंढने के लिए। और ये सब करने के बाद वो जो ऑथर होते हैं वो डायरेक्ट स्टारबोर्ड के साइड चल जाते हैं ताकि वो उसे वापस से ठीक कर सके, स्टारबोर्ड को ठीक कर सके ताकि पानी वापस अंदर ना आए और वो लोग बच सके। अब वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं क्या चीज़ लेके, इम्प्रोवाइज सी एंकर लेके जो कि हेवी नायलॉन रोप का बना हुआ था और 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन लेके। देखो ये दो को जो मैंने लंबी चौड़ी वर्ड बोली या फिर जो भी समझो लाइन बोली, ये बस तुम लोग इतना समझो कि ये दो चीज़ जो है ये सिप को ठीक करने में काम आता है, बस इतना समझ लो, बाकी छोड़ो। ऑथर बता रहे हैं कि उस शाम को वो और उनकी वाइफ मैरी दोनों साथ में हाथ पकड़ के बैठे हुए थे और वो लोग कहाँ पे बैठे हुए थे, उस जगह पे जहाँ जो ब्रोकन था और जैसे जैसे पानी उनके तरफ आ रहा था, जो वेव्स आ रहा था
और जैसे ही उससे टकराता था तो उन्हें लगता था कि उनका एंड नियर है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जो उस शिप का ब्रोकन प्लैंक्स था वो उन्हें बार बार बचा ले रहा था डूबने से। और फिर वो कहते हैं बाय द मॉर्निंग यानी कि 6 जनवरी को उनका जो शिप था वो बचा हुआ था, पर विंड स्पीड भी धीरे धीरे कम होते जा रहा था। ऑथर वापस से अपने चार्ट रूम में जाते हैं, विंड स्पीड को कैलकुलेट करते हैं और फिर वो अचानक से नोटिस करते हैं कि वो 1.5 लाख किलोमीटर ओशियन में एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। फिर ऑथर बता रहे हैं कि वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनकी जो बेटी होती है सुई, जिसका पूरा नाम है सुजैन, वो उनके पास आती है, उन्हें ज्वाइन करती है। और फिर ऑथर नोटिस करते हैं कि उसका हेड पूरा स्वेलन हो चुका है और उसके आईज के आसपास पूरा ब्लैक हेड हो चुका है चोट लगने के कारण। फिर वो उनकी जो बेटी होती है वो उन्हें एक कार्ड थमाती है यानी कि देती है, जो उसने खुद से बनाया था। जब ऑथर उस कार्ड को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उनका और उनकी वाइफ का एक पिक्चर था जिसके नीचे लिखा हुआ था कि हाउ फनी दिस पीपल आर, और ये उन्हें कितना हंसाते हैं और वो उन्हें देख के कितनी हंसती है। फिर ऑथर रियलाइज करते हैं कि उसके अंदर एक हिडन मैसेज था कि वो अपने पापा मम्मी को कितना प्यार करती है। वो कार्ड वो बस उन्हें थैंक करने के लिए देना चाहती थी और अपना बेस्ट देने के लिए देना चाहती थी। अब ऑथर बार बार अपने कैलकुलेशन को चेक कर रहे होते हैं, फिर रीचेक करते हैं और वो अपना स्पेयर कंपास यूज़ कर रहे होते हैं उस आइलैंड को फाइंड करने के लिए। अब वो आप ये सोच रहे होंगे कि वो अपना मेन कंपास क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली उनका मेन कंपास ख़राब हो चुका होता है इसलिए, और उनका जो स्पेयर कंपास होता है वो भी पूरी तरह से मैग्नेटिकली करेक्ट नहीं होता है, जिसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। वो बस वेस्टर्नली करेंट्स को फॉलो करके उस आइलैंड तक पहुँचना चाह रहे थे। फिर वो बताते हैं कि करीब 2 बजता है और वो लैरी के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो जो शिप है यानी कि वेव वॉकर, उसे 185 डिग्री में मोड़ दो। और वो ये भी कहते हैं अगर वो लकी हुए तो शाम 5 बजे तक इजिली वो वहाँ तक यानी कि उस आइलैंड को फाइंड कर लेंगे। फिर ऑथर बता रहे हैं कि विद अ हैवी हर्ट वो सोने चल जाते हैं कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और वो जैसे ही उठते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि 6 बज चुका है। वो बाहर निकल के देखते हैं और वो ये देखते हैं कि उनके आसपास कोई आइलैंड नहीं है। वो सोचते हैं या तो वो आइलैंड को पीछे कहीं छोड़ दिए हैं या फिर वो वापस खो चुके हैं। फिर तभी ऑथर का बेटा जोनाथन उनके पास आता है यानी कि अपने डैडी के पास, ऑथर के पास आता है और कहता है कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। फिर ऑथर पूछते हैं कि क्यों, तो वो गले लगाते हुए उन्हें कहता है क्योंकि आप इस वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हैं और बेस्ट कैप्टन भी हैं। फिर वो रिप्लाई करते हैं कि हाँ बट हो सकता है आज मैं एक बेस्ट कैप्टन नहीं हूँगा कि आज मैं डरा हुआ हूँ। फिर वो उनकी जो बेटी होती है जो उसके पीछे जस्ट खड़ी होती है वो कहती है कि वाई आपको ऐसा क्यों लगता है। फिर वो फैक्टफुल वॉइस में कहती है कि हमने आइलैंड को ढूंढ लिया है। फिर ऑथर कहते हैं व्हाट, वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि बेटी रिप्लाई करती है वो बस हमारे सामने ही है और वो जो आइलैंड था वो एज बिग एज अ बैटलशिप के तरह एक बड़ा सा दिख रहा था। सुनने के बाद ऑथर तुरंत डेक की तरफ दौड़ते हैं और वो सडनली रियलाइज करते हैं कि उन्होंने वो आइलैंड ढूंढ लिया है क्योंकि एक पीस ऑफ रॉक में लिखा हुआ था एल एमस्टरडम। और फिर वो ध्यान देते हैं कि वो जो आइलैंड था वो बस एक वोल्केनिक रॉक का एक पीस था जिसमें थोड़ा बहुत वेजिटेशन था यानी कि थोड़े बहुत पेड़ पौधे थे, पर क्योंकि वो बहुत टाइम से उस सी में खोए हुए थे समुद्र में और ट्रैवल कर रहे थे तो उन्हें वो आइलैंड देख के बहुत अच्छा फील होता है। और वो कहते हैं कि उस टाइम उन्हें वो पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा आइलैंड लग रहा था, सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड। ऑथर उस रात उस शिप में ही गुजारने के बारे में सोचते हैं और गुजारते भी हैं, पर अगले दिन वो उस शिप से उतरते हैं और उस आइलैंड में जो 28 इनहैबिटेंट्स थे वो उन्हें चीयर करते हैं और उन्हें मदद करते हैं उस शिप से उतरने में और उनके आइलैंड में आने में। फिर वो बताते हैं कि जैसे ही वो उस आइलैंड में उतरते हैं उनके नीचे जो ज़मीन था उसे उन्हें वो देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल लैरी और हर्ब को लेके, जो कि उन्हें हर टाइम हेल्प किए, हर टाइम चीयरफुल रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे और उन्हें स्ट्रेस से
कम किए, उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं आने दिए ज़्यादा। फिर उन्हें अपनी वाइफ के बारे में याद आता है, मैरी के बारे में, जिसने पूरे टाइम व्हील को संभाला उस क्रूशियल टाइम में जब वेव ने हिट किया था। और उन्हें उस 7 ईयर ओल्ड गर्ल के बारे में भी याद आया, यानी अपनी बेटी के बारे में याद आया, जिसे सिर पे बहुत ज़्यादा जोर से चोट लगा था, फिर भी वो अपना फिक्र किए बिना अपने पापा को सपोर्ट कर रही थी, यानी कि ऑथर को सपोर्ट कर रही थी। यहाँ पे ऑथर ये भी बता रहे हैं कि उनकी जो बेटी थी उन्हें उसे बाद में रिकवर होने में बहुत टाइम लगा था, 6 छोटे छोटे ऑपरेशन हुए थे क्योंकि उसके सिर पे ब्लड क्लॉट हो गया था, उसके सिर के स्कल और स्किन के बीच में। उन्हें अपने 6 साल छोटे बच्चे के बारे में भी याद आता है, यानी कि जोनाथन के बारे में भी याद आता है, जो उनसे कहा था कि उसे डरने से, मरने से डर नहीं लगता। देखो अब इस पॉइंट में हमारा चैप्टर खत्म होता है, लेकिन कुछ अच्छी बातें बता देता हूँ इस चैप्टर के बारे में, और कुछ ऐसी बात जो आपको काम देगी। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि ये चैप्टर को जानबूझ के खींचना नहीं गया है, लंबा नहीं बनाया गया है, इसमें बस मेन फैक्ट्स और डेट्स हैं। और इससे ये क्या है कि मतलब थोड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बनती है अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है हिस्ट्री वगैरह में तो। और हाँ, आपको इसमें डेट्स याद रखने पड़ेंगे, डेट्स एंड डे को, और मतलब याद रखोगे तो बेटर होगा आपके लिए, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है पर याद रखोगे, और डेट्स के साथ अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो आपका इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन देता है और उसमें मार्क्स काटना का संभावना कम हो जाता है, बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। और बाकी स्टोरी उतनी भी बुरी नहीं है, बहुत ही मज़ा आया, वैसे मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आया था, सच बता रहा हूँ मज़ा आया था। और कुछ नहीं, चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हॉर्नबिल बुक का तीसरा चैप्टर डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस पढ़ेंगे, रिटन बाय एआर विलियम्स। तो फ्रेंड्स, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का एक शॉर्ट ओवरव्यू बता देता हूँ, ताकि इस चैप्टर में होने क्या वाला है उसका आप लोगों को रफ आइडिया मिल जाए। ये जो स्टोरी है वो बेसिकली एक इजिप्शियन किंग के बारे में है जिनका नाम किंग टूट था। उनका पूरा नाम तुतैन खामून था। जब वो 9 ईयर्स के थे तभी उन्हें किंग बना दिया गया था, लेकिन जब किंग टूट 19 ईयर्स के हुए तब उनकी डेथ हो गई एक मिस्टीरियस वे में। उनकी डेथ आखिर कैसे हुई इसका पता लगाने के लिए कई साइंटिस्ट ने उनपे रिसर्चेस किया, तो इसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ये जो स्टोरी है वो थोड़ी हिस्ट्री से रिलेटेड है, देखा जाए तो ये जो स्टोरी है वो थोड़ी बोरिंग है, लेकिन अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर का पूरा नॉलेज हो जाएगा, और साथ ही आपको इस चैप्टर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें भी जानने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। ऑथर ए आर विलियम्स इस स्टोरी को ये बोलते हुए शुरू करते हैं कि जो किंग टूट थे वो एक टीनेजर थे जब उनकी डेथ हो गई। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी फैमिली ने इजिप्ट पर कई सेंचुरीज तक रूल किया था। किंग टूट की डिस्कवरी एक टॉम में की गई थी इन 1922। टॉम का मतलब मकबरा होता है, जिनके बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। आप उस टॉम का अपने स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं। जब उनके टॉम का डिस्कवरी हुआ तो बहुत ज्यादा डाउट और स्पेक्यूलेशन थी कि आखिर उनकी डेथ कैसे हुई, आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। मोस्ट प्रोबेबली सभी कोई मानते थे कि उनका मर्डर किया गया था, क्योंकि उनकी डेथ बहुत ही कम एज में हुआ था। अब ऑथर हमें बताते हैं कि किंग टूट के मिलने 80 सालों बाद उनका एक सिटी स्कैन होने जा रहा था, जिससे क्लूज मिल सके, ये पता चल सके कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उनकी डेथ हुई थी। जब किंग टूट के टॉम को बाहर वैली से निकाला जा रहा था, जिसे वैली ऑफ किंग के नाम से जाना जाता है, तब अचानक ही मौसम खराब हो गया और तेज विंड ब्लो होने लगी, और वो टाइम था 5th जनवरी 2005 का, जब शाम के 6 बज रहे होते हैं।
वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फेमस ममी जो कि किंग टूट की थी, उसका पहली बार सीटी स्कैन होने जा रहा था। उस दिन दोपहर को जिस दिन उनके टॉम को ले जाया जा रहा था, तब टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी लाइन पूरे वर्ल्ड से उन्हें देखने पहुंच गई थी। वो एक रॉक कट टॉम्ब में जिनमें उनकी बॉडी पड़ी हुई थी, जो कि 26 फीट जमीन के नीचे थी, यानी कि अंडरग्राउंड थी। वहां पे सारे टूरिस्ट उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े थे। उन सभी ने उस टॉम्ब के अंदर के लार्ज पेंटिंग्स को देखा, उनके बरियल चेम्बर्स को देखा और किंग टूट के कॉफिन को देखा, जो कि पूरा गोल्ड से बना हुआ था। और मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर उस मम्मी का ये था कि उस मम्मी के कॉफिन के लेड जो था वो पूरा मम्मी के शेप का बना हुआ था। कुछ विजिटर गाइड बुक पढ़ रहे थे और कुछ एक दूसरे से बात कर रहे थे, बाकी के कुछ लोग साइलेंटली खड़े थे और ये सोच रहे थे कि आखिर किंग टूट की डेथ हुई कैसे। और कुछ विजिटर फैडोस के कर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, और वो ये था कि अगर कोई भी किंग टूट के बॉडी को डिस्टर्ब करेगा तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है और यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो सकती है। उसके बाद जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स, जिसका नाम जाही हवास था, वो बोलते हैं कि जो भी खराब कंडीशन हुई है इस मम्मी की, वो हावर्ड कार्टर की वजह से हुई है। वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजर थे और उन्होंने ही 1922 में किंग टूट के टॉम्ब का डिस्कवरी किया, काफी सारे रिसर्चेस के बाद। अब वो ये बताते हैं कि ये आज तक का सबसे ज्यादा रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था, जो आज से पहले कभी नहीं डिस्कवर किया गया था, जिसमें बहुत सारी आर्टिफैक्ट थी, वो भी गोल्ड की, और इस तरह का बहुत सारे और भी चीजें थे। किंग टूट की जो टॉम्ब था वो उस टाइम की सबसे ज्यादा सेंसेशनल डिस्कवरी बन गई थी। इस चीज पे बहुत ज्यादा अटेंशन दिया जा रहा था। किंग टूट के टॉम्ब के साथ बोर्ड गेम्स, अब ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडर गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड और वाइन, इस टाइप की भी चीजें रखी गई थी। इनके बारे में महीनों तक रिसर्च चलती रही। इनको रिकॉर्ड किया गया कि आखिर फेरोस ट्रेजर में क्या क्या था। फिर कार्टर ने थ्री नेस्टेड कॉफिन को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। जब उन्होंने पहले कॉफिन को खोला तो उसमें कुछ ड्रेसेस थी, उनपे कुछ माला चढ़ी हुई थी, सच एस गार्लेंड ऑफ विलो, ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स। ये जो चीजें थी, इनसे पता चलता था कि बरियल का टाइम मार्च या अप्रैल में होगा, क्योंकि ये जो फ्लावर्स है वो जनरली मार्च या अप्रैल के टाइम पे मिलती है। और जब कार्टर ने मम्मी पर रिसर्च करना शुरू किया तो उन्हें एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। जब मम्मी को कॉफिन में रखा गया था, तब उनमें कुछ रिचुअल्स रीजन्स डाली गई थी ताकि मम्मी खराब ना हो। पर अब जब कार्टर ने उस कॉफिन को खोला है तो अब जो रीजन्स थी वो बॉटम में जाकर सॉलिड हो गए, जिसके कारण जो मम्मी थी वो उस कॉफिन में ही अटक गई थी। कार्टर के बहुत कोशिशों के बाद भी वो मम्मी को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। अब कार्टर ने सन की हीट यूज करने की कोशिश की और उन रेजिन्स को लूज करना चाहा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इजिप्ट में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है और वहाँ का टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो अब कार्टर ने मम्मी को कॉफिन को ब्राइट सनशाइन के नीचे रख दिया, जिससे उस कॉफिन का टेम्परेचर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, लेकिन उस कॉफिन पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो मम्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर निकालेंगे, उनके बचे हुए रिमेंस को। उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया
क्योंकि हो सकता था कि अगर वो उस मम्मी को वहीं छोड़ देते उस रात के लिए, तो शायद चोर लुटेरे आते ताकि वहां के गोल्ड लूट सके और उसी दौरान वो कॉफिन को भी लेने की कोशिश करते, जिसके दौरान वो मम्मी को और भी ज्यादा खराब कर देते और वहीं छोड़ के चले जाते। तो इसलिए उन्होंने मम्मी को बाहर निकालने का फैसला लिया। फिर वो बताते हैं कि किंग टूट की फैमिली काफी ज्यादा वेल्दी फैमिली थी और उनके यहाँ माना जाता था कि अगर किसी किंग की डेथ हो जाती है तो उसे अपनी ट्रेजेडी लेके जानी चाहिए, और यही सब रिचेस उन्हें मिली थी किंग टूट के टॉम में से, जिसमें बहुत सारे ऑर्नामेंट्स थे गोल्ड के, जैसे प्रीसियस कॉलर, इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स, सेरिमोनियल एप्रॉन, सैंडल्स, सीट्स ऑफ हिज फिंगर एंड टोज, और आइकॉनिक गोल्ड कॉफिन और मास्क जो कि प्योर गोल्ड के थे। अब ऑथर हमें बताते हैं कि कार्टर ने मम्मी के सारे जॉइंट्स को अलग करके निकालने की कोशिश की, उसके हेड को निकालने की कोशिश की अलग करके और मेन जॉइंट्स को निकाल लिया अलग करके। जब उन्होंने सारे पार्ट्स निकाल लिए तो उन्हें उनके पार्ट्स को एक जगह रीअसेंबल कर लिया एक वुडन बॉक्स में, जिसमें सैंड भरी हुई थी ताकि उनके और पार्ट्स डैमेज ना हो सके। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि आर्कियोलॉजी जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जो आर्कियोलॉजी है वो अब गोल्ड या ट्रेजरी से ज्यादा फोकस उन डिटेल पे करने लगी है, जैसे उनकी असल में लाइफ कैसी थी, वो कैसे रहते थे, उनकी डेथ कैसे हुई, उनके पास कैसे कैसे टूल्स थे और उस समय की मेडिकल फैसिलिटी क्या थी। इन सब चीजों पे आज के आर्कियोलॉजिस्ट ज्यादा फोकस करते हैं। टूट के डिस्कवरी के 40 साल बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया, जिसे काफी सारे चौंका देने वाले बातों का पता चला। अब आप लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे कि आखिर क्या पता चला। सबर करो, बताता हूँ। इसमें ये पता चला कि जो डिजीन्स में मम्मी रखी गई थी, वो मम्मी के फ्रंट के कुछ रिब्स गायब थे। उसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जब कंप्यूटर टोमोग्राफी और सीटी स्कैन आ गई है, जिसमें अगर कोई भी बॉडी को रखा जाए तो उस बॉडी का थ्री डायमेंशनल वर्चुअल स्किन देखने को मिलता है, जिससे हम बॉडी को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब किंग टूट का स्कैनिंग होने वाला था, जिसके बाद काफी सारे सीक्रेट्स रिवील हो सकते थे और दो बड़े क्वेश्चन का जवाब मिल सकता था। और वो दो बड़े क्वेश्चन ये थे कि आखिर उनकी डेथ हुई तो हुई कैसे, और जब उनकी डेथ हुई तब उनकी रियल में एज कितनी होगी। किंग टूट की जो डिमाइस की सेरेमनी, यानी कि डेथ की जो सेरेमनी थी, वो बहुत बड़ी इवेंट थी एज कम्पेयर टू बाकी के रॉयल स्टैंडर्ड उस टाइम की, क्योंकि किंग टूट उस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे और उनके डेथ के बाद उनकी डायनेस्टी खत्म हो गई थी और उसके बाद की हिस्ट्री अभी तक अनक्लियर है। उसके बाद ऑथर हमें किंग टूट के फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। एमेनहोटेप 3, जो कि शायद किंग टूट के फादर या ग्रैंडफादर थे, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फेरोस थे। उन्होंने इजिप्ट पे 40 सालों तक रूल किया और उनके रूल के टाइम को उनकी डायनेस्टी का गोल्डन पीरियड भी माना जाता है। अब एमेनहोटेप 3 की डेथ हो गई और उनके बेटे एमेनहोटेप 4 थ्रोन पे आ गए। एमेनहोटेप 4 का टाइम था वो इजिप्ट के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेंज टाइम था। जो अब न्यू फैरो द एमेनहोटेप 4 आए थे, उन्होंने एथेन की वर्शिप को प्रमोट किया। अब उन्होंने अपने नाम को चेंज करके अखेनातन रख लिया, जिसका मतलब होता था सर्वेंट ऑफ एथेन। अब उन्होंने इजिप्ट का जो रिलीजियस कैपिटल था उसे भी थेब्स से अखेनातन पर चेंज कर दिया था, जिसे हम आज के डेट पे अमरना के नाम से जानते हैं।
और अब इस न्यू रूलर ने अमून, जो कि उस टाइम के गॉड थे, उसकी इमेजेस, उनकी इमेजेस पे अटैक किया, उनके सारे स्टैचूज हटवा दिए और सारे टेंपल्स को बंद करवा दिया। अब रे जॉनसन, जो कि शिकागो रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि ये इजिप्ट का सबसे हॉरिफाइंग टाइम था। सोरोस की जो फैमिली इतने सालों से इजिप्ट पे रूल कर रही थी, इनके कारण ये अब एंड पे आ गई थी। और इसके बाद अखेनातन का बिहेवियर बहुत अनयूजुअल हो गया। इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट में कि एमेनहोटेप 3 के डेथ के बाद उनके बेटे एमेनहोटेप 4 थ्रोन पे आ जाते हैं। एमेनहोटेप 4 के जो रूल का पीरियड था वो इजिप्ट के लिए सबसे स्ट्रेंजेस्ट पीरियड था। एमेनहोटेप 4 ने अपने नाम को चेंज करके अखेनातन रख लिया था। और लास्ट में अखेनातन बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल बिहेव करने लग गए थे। जब अखेनातन की डेथ हुई, तब एक मिस्टीरियस रूलर जिनका नाम स्मेन खखारे था, वो थ्रोन पे आए, वो भी बहुत ही कम टाइम के लिए, और बिना अपना कोई निशान छोड़े गायब हो गए, और इनका कोई भी हिस्ट्री नहीं है। इनके मरने के बाद, यानी कि स्मेन खखारे थ्रोन से जब हट गए, उसके बाद तुतेन खातेन ने थ्रोन को संभाली। तुतेन खातेन एक यंग रूलर थे और आज वे किंग टूट के नाम से जाने जाते हैं। तुतेन खातेन जो उस वक्त के एक यंग किंग थे, वो किंग बनते हैं। किंग बनते ही वो अपने नाम को चेंज करके तुतेन खामून रख लेते हैं। तुतेन खामून का मतलब था लिविंग इमेज ऑफ अमून, और उन्होंने जो भी पुराने तरीके थे गॉड अमून के वर्शिप को, जो कि अखेनातन ने हटवा दिए थे, उसे उन्होंने रिस्टोर करने की कोशिश की। और लगभग 9 साल रूल करने के बाद अचानक ही उनकी एक मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। अब ऑथर हमें बताते हैं कि इजिप्ट में काफी सारी मम्मियां हैं, जिनमें से एक टूटकी भी है, लेकिन कितनी मम्मी है आज तक वहां पे एग्जैक्टली कोई भी नहीं जान पाया है। ऑथर कहते हैं कि इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, जो कि 2003 में स्टार्ट हुई थी और लगभग 600 मम्मीज रिकॉर्ड हुई, और नई मम्मीज की गिनती चल रही है। इसके बाद अब ऑथर हमें सीटी स्कैन के बारे में बताते हैं, जो मम्मी का किया गया था। जो सीटी स्कैन था वो एक पोर्टेबल सीटी मशीन से किया गया था, जो कि नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सेमेंस ने डोनेट की थी। और अभी किंग टूट की बॉडी थी, जो कि फर्स्ट मम्मी थी जो स्कैन होने वाली थी। जो सीटी स्कैन मशीन थी, उसमें मम्मी को हेड से लेकर टो तक स्कैन किया जाने वाला था, और एक्सरे का क्रॉस सेक्शन में 1700 डिजिटल इमेज बनाई गई। किंग टूट के हेड को 0.65 मिलीमीटर जितनी पतली स्लाइसेस में स्कैन किया गया था, जिनसे एक डिटेल स्ट्रक्चर बना उनकी बॉडी का, और उसी तरह उनकी बॉडी को पूरी तरीके से स्कैन किया गया था। उसके बाद एक स्पेशलिस्ट की टीम, जो कि स्पेशलिस्ट थी रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक्स एंड एनाटॉमी, उन सभी ने उनकी बॉडी को, यानी कि किंग टूट की बॉडी को एनालाइज करना स्टार्ट किया, जिससे वो किंग टूट के बॉडी के सीक्रेट्स को रिवील कर सके। जिस रात किंग टूट के बॉडी को स्कैन किया गया था, उस रात जो वर्कर थे, उन्होंने किंग टूट के बॉडी को टॉम से निकाला था, और वो इस तरह से कॉफिन, यानी कि जो बॉक्स था, उसे ऐसे लेकर जा रहे थे जैसे वो लोग पॉल बियरर्स हो, जिसका मतलब था कि जब किसी डेड बॉडी को ले जाया जाता था, वैसे ही वो लोग किंग टूट के बॉडी को ले जा रहे थे। वो सबसे पहले
रैंप से होते हुए स्टेयर्स को क्रॉस करके एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से उस बॉडी को सीटी स्कैन के लिए लाए थे। अब 20 मिनट बाद दो वर्कर्स भागते हुए नियर बाय ऑफिस से आ रहे थे और वो दो वर्कर्स अपने साथ पेयर्स ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस लेकर आए थे, क्योंकि जो सीटी स्कैनर था जो कि $1 मिलियन का था, भाई अमेजिंग, मैंने तो पहली बार सुना कि सीटी स्कैनर इतने महंगे होते हैं। इतने पैसे में तो हम लोग क्या क्या खरीद सकते हैं, जस्ट इमेजिन दोस्तों। तो इमेजिन बहुत कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। जो सीटी स्कैन था उसके कूलर्स फैन में सैंड जाने के कारण वो बंद हो गया था, और इस कंडीशन में एक गार्ड जोकिंग वे में बोलता है, शायद ये फैरो का कर्ज है जिसके कारण ये स्कैनर बंद हो गया है। पर इसके बाद जो सब्स्टिट्यूट फैंस को लगाया गया जिसके कारण सीटी स्कैन अच्छे से हो गया, फिर उसके बाद ये चेक कर लिया गया कि कोई भी डाटा लॉस तो नहीं हुआ। टेक्नीशियंस ने टूट के बॉडी को वर्क्समैन को दे दिया, जिन्होंने टूट के बॉडी को वापस से जाकर टोम्ब में रख दिया, और 3 घंटों के अंदर ही किंग टूट के बॉडी को अपनी पुरानी जगह रख दिया गया जहां पे प्रिस्ट ने उन्हें रखा था। इसके बाद ऑथर एआर विलियम्स हमें बताते हैं कि जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने बहुत अच्छी और डिटेल इमेज बनाई किंग टूट की कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसमें उनके हेड का एक क्लियर इमेज बना था। साथ ही में जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने उस स्क्रीन पर किंग टूट के बॉडी को टिल्ट करके अलग अलग डायरेक्शन से अच्छे से देखा। किंग टूट कि जो नेक वर्टिब्रेट थी यानी कि गले की जो हड्डी थी वो बहुत ज्यादा क्लियर थी, जैसे कि एक एनाटॉमी क्लास में दिखाई जाती है। साथ ही जो दूसरी इमेजेस थी किंग टूट के हाथों की, रिप केज की और स्कल की, उससे अच्छे से ऑब्जर्व किया गया। और जब सारे प्रोसीजर्स खत्म हो गए तो जो जाहिर हवास थे वो स्माइल करते हुए काफी रिलीफ दिखते हैं, क्योंकि सारी चीजें अब अच्छे से खत्म हो गई थी। जाहिर हवास ये कहते हैं कि वो उस दिन पूरी रात भर में 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोए थे, क्योंकि उन्हें बहुत चिंता हो रही थी कि कोई गलती ना हो जाए, लेकिन अब वो आराम से कुछ देर के लिए सो सकते थे। अब इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि एक बार जब किंग टूट के बॉडी को ले जाया गया तब जो विंड थी जो बहुत तेजी से चल रही थी वो अब शांत हो गई, और जो विंटर एयर ब्लो हो रही थी वो अब स्लो हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जो वैली ऑफ डिपार्टेड थी वो एकदम से ही शांत हो गई थी, मानो उसकी डेथ हो गई। किंग टूट का जो टॉम था उसके गेट के जस्ट ऊपर ओरिएंट कॉन्स्टिलेशन प्रेजेंट था, जिससे इजिप्शियन सोल ऑफ ओसिरस भी कहते हैं, और ये जो ओसिरस है उन्हें इजिप्शियन गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ मानते हैं, और वो उस बॉय किंग के ऊपर अभी भी नजर रखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये लंबा सा हिस्टोरिकल चैप्टर स्टोरी खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुकेशनल भैया, और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारे हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सॉल, जिसे लिखा है नथाली ट्रोवर रॉय ने। सबसे पहले हम इस चैप्टर का एक ओवरव्यू जान लेते हैं, यानी कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है, हमारी जो राइटर है वो हमें क्या शो करना चाहती है स्टोरी के माध्यम से। तो हमारी जो राइटर है नथाली, वो इस स्टोरी के माध्यम से शो करना चाहती है कि डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट लोकेशन में जो
आर्टिस्ट होते हैं वो अपना आर्ट किस तरह शो करते हैं। स्पेशली यहाँ पे चाइनीज और वेस्टर्न आर्ट को लिया गया है कि चाइनीज आर्ट जो होता है और वेस्टर्न आर्ट जो होता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों किस किस एस्पेक्ट्स में अच्छे हैं, तो वो सब हम जानेंगे स्टोरी के बीच में। तो चलिए स्टोरी का यानी कि हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं और स्टोरी डीप में पढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिन्होंने सब्सक्राइब करके पहले से रखा है यार प्लीज़ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, एक बार ध्यान दे दो वहाँ पे कि बेल आइकन ऑल पे सेट है कि नहीं, क्योंकि मैं रोज़ तो वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, वीकली एक या दो वीडियो आता है और उसका भी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा तो दिक्कत हो जाएगा। और जो लोग नए हो यार सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है। तो चलिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करूं इससे पहले ये बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज हैं, यानी कि ऐसा समझ लो कि एक स्टोरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज, ठीक है। तो सबसे पहला स्टोरी ये है चैप्टर के स्टार्टिंग में कि बहुत समय पहले यानी कि 18th सेंचुरी में एक बहुत ही महान पेंटर रहते थे जिनका नाम था वु डाउजी, जो अपने एम्परर के लिए जिनका नाम था जुआंग जोंग उनके लिए एक पेंटिंग बना रहा था। वो पेंटिंग क्यों बना रहा था, क्योंकि एम्परर ने वु डाउजी को ऑर्डर दिया था कि वो उसके पेंटिंग से अपने पैलेस के वाल को सजाना चाहते हैं, इसलिए वु डाउजी था वो अपने एम्परर के लिए पेंटिंग बना रहा था। और उस पेंटिंग को ख़त्म करने के बाद उन्होंने वो पेंटिंग को एक स्क्रीन के पीछे छुपा के रख दिया ताकि उनके एम्परर के अलावा वो पेंटिंग को और कोई भी ना देख सके। जैसे ही एम्परर आते हैं और उस पेंटर के बनाए हुए उस पेंटिंग को, लैंडस्केप की पेंटिंग को देखते हैं तो वो काफ़ी दंग रह जाते हैं, वो इतना शौक हो जाते हैं उस पेंटिंग को देख के, उस ब्यूटीफुल पेंटिंग को देख के जिसमें बहुत सारे माउंटेंस दिख रहे थे, वाटरफॉल्स थे, क्लाउड्स में कुछ पंछी दिख रहे थे उड़ते हुए और बहुत सारे चीज़ जैसे कुछ लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए भी उन्हें दिख रहे थे। तभी वो जो पेंटर थे जिनका नाम था वु डाउजी वो एम्परर को बोलते हैं कि आप प्लीज़ माउंटेन के नीचे ध्यान दें जहाँ पे वो केव बना हुआ है यानी कि गुफा बना हुआ है। तो एम्परर वहाँ पे ध्यान देते हैं और फिर वो एक्सप्लेन करते हैं, वो जो आर्टिस्ट हैं वु डाउजी वो एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि उस केव के अंदर एक स्पिरिट रहती है। और फिर वो पेंटर वहाँ पे क्लैप करते हैं और अचानक से वो जो केव होता है उसका गेट खुल जाता है और वो कहते हैं कि इस केव के अंदर जो चीज़ है उसे वो शब्दों में नहीं बता सकते हैं, उस केव के अंदर बहुत ही खास चीज़ है जो कि उन्हें अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। फिर वो अपने एम्परर को कहते हैं मैजेस्टी आप प्लीज़ मेरे साथ अंदर चलिए। फिर वो दोनों पहले वो जो आर्टिस्ट होते हैं वो इस पेंटिंग के अंदर खो जाते हैं यानी कि वो पेंटर वहाँ से गायब हो जाते हैं। और इससे पहले कि वो एम्परर कुछ बोलते या फिर अपने कदम को आगे बढ़ाते वो जो वहाँ पे पेंटिंग बना हुआ था वो वहाँ से गायब हो जाता है। और उसके बाद वो जो आर्टिस्ट थे यानी कि वु डाउजी वो भी हमेशा के लिए उसके बाद खो जाते हैं, उसके बाद उन्हें कहीं भी नहीं देखा जाता है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि वु डाउजी का पूरा नामो निशान खत्म हो जाता है, ना ही उनका पेंट ब्रश का एक टुकड़ा भी वहाँ पे नहीं पाया जाता है यानी कि उस वर्ल्ड में यानी कि पृथ्वी में। अब हमारी जो राइटर है नथाली वो बता रही है कि इस तरह की जो स्टोरीज होती है वो चाइनीज़ क्लासिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और हमारी जो चाइनीज़ में जो बुक्स होती है कन्फ्यूशियस या फिर जुआंग ज़ी की जो बुक्स होती है उसमें इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ है। किस तरह की स्टोरी, जो अभी मैंने आपको बताया जो पेंटर होता है वो गायब हो जाता है, उसकी जो पेंटिंग होती है वो भी गायब हो जाती है। तो इस तरह की जो स्टोरीज़ होती है वो जुआंगज़ी की बुक्स और कन्फ्यूशियस बुक्स में बहुत सारी है और दोनों वहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को ये जो बुक्स होती है ये गाइड करती है ताकि वो फ्यूचर में सही डिसीजन ले सके अपनी लाइफ से रिलेटेड। मेनली जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को इस तरह की बुक्स देते हैं ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को सही वे में गाइड कर सके। और इस तरह की जो शॉर्ट स्टोरीज होती है वो हमें आर्ट के स्पिरिट के बारे में बताती है जो पहले जमाने के लोग समझते थे एक असली आर्ट को। अब यहाँ पे नथाली फिर से एक छोटी सी स्टोरी बता रही है जिसमें एक बहुत ही फेमस पेंटर एक ड्रैगन की पेंटिंग में उसका आई को कंप्लीट नहीं करता यानी कि ड्रैगन के आई को कम्प्लीटली नहीं बनाता है, क्योंकि उस पेंटर का ये मानना था कि अगर वो उस ड्रैगन की आई बना देगा, आँख को बना देगा, तो वो ड्रैगन उस पेंटिंग से निकलकर उड़ के भाग जाएगा और इसलिए वो पेंटर डर के मारे उस ड्रैगन की आई को नहीं बनाता है। अब ऑथर इस स्टोरी को दूसरे स्टोरी से कंपेयर करना चाहती है
जो कि है उनके नेटिव प्लेस से, जो कि एक वेस्टर्न पेंटिंग को अच्छे से दर्शा सकता है। तो ये स्टोरी है 15th सेंचुरी की, जिसमें एक ब्लैकस्मिथ जिसका नाम है क्विंटन मिट्से, वो एक लड़की से प्यार करने लगता है जिसके पप्पा पेंटर होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि उनके पप्पा ठहरे पेंटर और ये ठहरा ब्लैकस्मिथ यानी कि लोहार। तो उनके पप्पा को उस ब्लैकस्मिथ का जो प्रोफेशन था बिल्कुल पसंद नहीं था, यानी कि क्विंटन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसका प्रोफेशन भी बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो उस शादी के लिए मना कर देते हैं। पर क्विंटन ठहरा तेज आदमी, तो वो क्या करता है, वो उस पेंटर के स्टूडियो यानी कि उसके जिसे वो प्यार करता था उसके पापा के स्टूडियो में जाता है और एक पैनल पर एक मक्खी की पेंटिंग बना देता है। और वो जो मक्खी का पेंटिंग था वो इतना डिटेल्ड वे में बनाता है ना कि किसी को पता ही नहीं चलता कि वो असली असली मक्खी है या फिर नकली। तो देखो क्या होता है, अब उसके पापा आते हैं यानी कि वो पेंटर आते हैं और वो मक्खी को देखते हैं, तो वो उसे भगाने की कोशिश करते हैं पर वो मक्खी भाग ही नहीं रहा था। तो वो काफ़ी देर सोचते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि वो तो बस एक पेंटिंग है। ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और क्विंटन को अपने साथ रख लेते हैं उस स्टूडियो में, ताकि वो उसे और ज़्यादा अच्छा सा पेंटिंग सिखा सके और वो बहुत बड़ा पेंटर बन सके, और उसकी शादी भी करवा देते हैं अपनी बेटी के साथ। अब देखो बेस्ट पार्ट ये है कि क्विंटन उस समय के बहुत ही बड़े फेमस पेंटर भी बन जाते हैं। तो हमने ये जो दो स्टोरी जाना, सबसे पहला जो यूरोपियन पेंटर ड्रैगन की आई को पेंट नहीं करता है क्योंकि उसे डर था कि वो ड्रैगन सच में जिंदा होकर उस पेंटिंग से बाहर ना निकल जाए। तो वो कहाँ का पेंटर था, वो यूरोपियन पेंटर था। और इससे हमें ये पता चलता है कि यूरोपियन जो आर्टिस्ट होते हैं वो इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस में ज़्यादा बिलीव करते हैं। और फिर हमने दूसरा तरह एशियन के बारे में जाना, वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में जाना, जिसके जिसमें जो लोग होते हैं वो इनर लाइफ और स्पिरिट के बारे में ज़्यादा जानना पसंद करते हैं और शो करना पसंद करते हैं अपने पेंटिंग के जरिए। जैसे कि ये जो हमने अभी पढ़ा था क्विंटन के बारे में, ये तो थोड़ा इनर लाइफ के बारे में हो गया, थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में हो गया। इस तरह की बातें जो होती है ये एशियन पेंटर्स ज़्यादा शो करना चाहते हैं। अब अगर हम चाइनीज स्टोरी पे ध्यान दें, जिसपे वो जो एम्परर होता है वो वू डाउजी के पास जाता है अपने पेंटिंग को देखने के लिए, तो वहाँ पे हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि वो जो आर्टिस्ट था वो एम्परर को ये शो करना चाहता था कि असली यानी कि असली मीनिंग ऑफ वर्क क्या होता है, क्योंकि जब एम्परर उस पेंटिंग को देखने गए तो वो आउटर अपीयरेंस को ज़्यादा देख रहे थे, पहाड़ को देख रहे थे, बाकी चीज़ों को देख रहे थे, स्काई को देख रहे थे, बर्ड्स को देख रहे थे, पर वो उस पेंटिंग के असली वर्क को नहीं देख पा रहे थे। तो पेंटर यही शो करना चाहते थे एम्परर को कि एक एम्परर जो होता है वो हो सकता है वो ज़्यादा ज़्यादा टेरिटरी को कैप्चर कर सके, बहुत बड़े टेरिटरी को कैप्चर कर ले, उसके ऊपर रूल भी करने लगे, पर जो अंदर से जो डिटेल होता है उस टेरिटरी का वो एक एम्परर कभी नहीं जान पाएगा जितना कि एक आर्टिस्ट जानता है। अब वो पेंटिंग जा चुका है, पर वो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया है जो कि किसी भी मटेरियल अपीयरेंस से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। अब यहाँ पे हमारी जो ऑथर है वो डिफ्रेंशिएट कर रही है एक चाइनीज पेंटिंग को और यूरोपियन पेंटिंग को। तो यहाँ पे जो यूरोपियन पेंटिंग होती है वो एकदम रियल टाइप की होती है, जो पेंटर्स होते हैं वो एकदम रियल पेंटिंग बनाते हैं और वो ये चाहते हैं यानी कि वो जो आर्टिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उस पेंटिंग को देखें और समझ सके उसकी ब्यूटीफुलनेस को यानी कि उसकी सुंदरता को। और यहाँ पे जो चाइनीज़ जो पेंटिंग होती है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चाइनीज़ पेंटर्स जो होते हैं, चाइनीज़ आर्टिस्ट जो होते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनकी पेंटिंग को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि वो पेंटिंग एक्चुअली में असली नहीं होती है, असली टाइप की नहीं होती है, पर हाँ हम सभी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उस पेंटिंग को देख सकते हैं और उस पेंटिंग के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, उस पेंटिंग को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि वो जो चाइनीज़ आर्ट होता है उसमें हमारे आईज़ को, चाइनीज़ जो आर्टिस्ट होते हैं वो हमारी आईज़ को एक पाथ देते हैं, एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें पता चले कि हमें किस ओर जाना है उस पेंटिंग में। और उस पेंटिंग को जैसे जैसे हम पेंटिंग के अंदर धंसते चले जाते हैं यानी कि घुसते चले जाते हैं, एक एक करके धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के तरह वो पेंटिंग अपना असली रूप दिखाने लगता है, खुलने लगता है हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके, और हम उस पेंटिंग के और डीप में जाने लगते हैं।
प्रिंटिंग अपने हर सेक्शंस को धीरे धीरे करके खोलने लगता है। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ व्यूअर्स का जरूरत होता है, यानी कि जो उस पेंटिंग को देख रहे हैं, जो लोग उस पेंटिंग को देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। और जब वो ये डिसाइड कर लेंगे तो वो पेंटिंग के अंदर बस घुसते चले जाएंगे, बस मेंटली नहीं बल्कि फिजिकली भी। चाइनीज पेंटर यानी कि जो चाइनीज पेंटर होते हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनकी नज़रिया से देखें, आप उनकी आँख, जैसे वो चाइनीज पेंटर अपने पेंटिंग को अपनी आँख से देख रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि आप भी उसी तरह से देखें, बल्कि आप अपने ढंग से देखें और समझें कि उस पेंटर ने उस पेंटिंग को क्यों बनाया है। वो कुछ मोरल लेसन देना चाह रहा है उस पेंटिंग के जरिए, और वो ये भी शो करना चाह रहा है कि वो जो पेंटिंग आप देख रहे हैं यानी कि वो जो व्यूअर देख रहा है वो किसी पेंटर ने नहीं बनाया है, बल्कि वो आपकी खुद की इमेजिनेशन है, आप उसे खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। अब ऑथर ये भी बता रही है कि ये जो कॉन्सेप्ट है लैंडस्केप वाला, इसे चाइनीज में लोग सैनसुई बोलते हैं, जिसका मतलब होता है माउंटेन और वाटर, यानी कि सैनसुई का दो एलिमेंट होता है माउंटेन और वाटर, जो कि एक लैंडस्केप बनाने में, एक लैंडस्केप वाली पेंटिंग बनाने में या आर्टिफैक्ट्स बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। अब यहाँ पे वो ये भी बोल रहे हैं कि ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक डॉयस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स को रिफ्लेक्ट करता है। अब देखो, मुझे पता है तुम लोगों को ये हार्ड वर्ड दिमाग में नहीं घुसा होगा, तो बस इतना समझ लो कि हमारे यूनिवर्स को दर्शाने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, पहला होता है माउंटेन और दूसरा होता है वाटर, इतना ध्यान रखो। हमारी ऑथर भी सेम यही कहना चाह रही है। अब ऑथर बता रही है द माउंटेन इज यांग, यानी कि माउंटेन ही यांग है, और वो ये भी बता रही है कि माउंटेन जो है वो हेवन की तरफ जा रहा है, यानी कि माउंटेन ऑफ कोर्स ऊपर की ओर मतलब इशारा करता है ना, वो काफ़ी स्टेबल होता है, वार्म होता है और ड्राई होता है, क्योंकि वो सन को फेस कर रहा होता है। फिर वो दूसरी तरफ बोलती है कि वाटर यिन है, YIN यिन है, जो कि हॉरिजॉन्टल है और अर्थ की तरफ रेस्ट कर रहा है, फ्लूइड स्टेट में है, मॉइस्ट है और काफ़ी ठंडा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि माउंटेन और वाटर दोनों ही बहुत ही एक दूसरे से अपोजिट है। और हाँ, माउंटेन जो यांग है वो वर्टिकल था, ये बताना भूल गया था मैं। अब ऑथर ये भी बोलती है कि ये जो यिन है यानी कि ये जो वाटर है, ये यूनिवर्स एनर्जी के फेमिनिन एस्पेक्ट्स को दिखाता है, और ये जो यैन है ये यूनिवर्स के मस्कुलर एस्पेक्ट्स को दिखाता है। अपने लोकल लैंग्वेज में बोले तो सीधा समझो यार, पानी मतलब लड़की समझ लो और माउंटेन मतलब लड़का समझ लो। अब वो ये बता रही है कि ये दोनों के मिल जाने से डॉइज्म का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली ये समझो कि जब यिन और यांग मिलेंगे तो डॉइज्म का फॉर्मेशन होगा। कहानी खत्म, बात खत्म, नहीं अभी कहानी खत्म नहीं हुआ वैसे। अब हमारी ऑथर कंटिन्यू कर रही है और बता रही है कि हमने तो दो एलिमेंट्स के बारे में जाना, जो थे माउंटेन्स और वाटर, पर वो बता रही है कि एक और एलिमेंट होता है, तीसरा एलिमेंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बट लोग सभी लोग उसे अनदेखा कर देते हैं, और वो क्या है, वो है द मिडिल वर्ल्ड, या फिर तुम लोग बोल सकते हो द मिडिल वॉइड। अब इसे समझाने के लिए ऑथर एक एग्जांपल दे रही है कि जब आप प्राणायाम करते हो तो आप सांस लेते हो, उसके बाद उस सांस को रोकते हो और उसके बाद ब्रीद आउट करते हो, यानी कि सांस छोड़ते हो, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? जब आप सांस लेते हो वो तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सांस जब आप देते हो तब भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट तब होता है जब आप सांस को रोक के रखते हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सांस लेना यानी कि ब्रीद इन करना और ब्रीद आउट करना कोई बड़ा बात नहीं है, वो सभी लोग नॉर्मली करते हैं, पर वो प्राणायाम तभी कहलाएगा जब आप सांस को रोक के रखोगे कुछ समय के लिए। तो इसी तरह वो समझाना चाह रही है कि ये जो माउंटेन है और ये जो वाटर है, ये तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक लैंडस्केप का, एक पेंटिंग के लिए, पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, थर्ड एलिमेंट जो है, वो है ह्यूमंस खुद। और ऑथर बताना चाह रही है कि हेवन और अर्थ के बीच में जो स्पेस होता है, जो फुलफिल करते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि ह्यूमंस ही हैं। इसलिए ऑथर कहती है कि ह्यूमंस का रहना बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, और फ्रांसकोइंस चैंग्स नाम के एक बंदा है, यानी कि एक आदमी है, जो कि बता रहे हैं कि इस लैंडस्केप का जो आई है वो ह्यूमंस ही होते हैं, यानी कि वो कहते हैं ह्यूमंस आर द आई ऑफ द लैंडस्केप। और हाँ, वो ये भी बोलते हैं कि ह्यूमंस वो भी नहीं है जो कि इन पहाड़ों के बीच में खो जाए या ऑप्रेस्ड हो जाए।
देखो हमारा स्टोरी तो यहाँ तक खत्म होता है, लेकिन ये स्टोरी यानी कि ये चैप्टर अभी तक पूरा एंड नहीं हुआ है। हमारी ऑथर ने एक आर्टिकल के बारे में बताया है जो बृंदा सूरी ने लिखा था 2005 28 अगस्त को हिंदुस्तान टाइम्स में, और इस आर्टिकल का जो हेडिंग था वो था गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। देखो मैं इसके अंदर पूरा डिटेल्ड में नहीं बता रहा, बट एक समराइज्ड फॉर्म में बता देता हूँ। तो इस आर्टिकल के अंदर हमें उन आर्टिस्ट के बारे में बताया गया है जो जिन्होंने कहीं से फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया है, उन्हें कोई भी हमें आ रहा कोई ऑफिशियल राइट्स नहीं है कि हम उन्हें आर्टिस्ट बुलाएं, फिर भी हम उन्हें आर्टिस्ट बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बहुत ही एक्सेप्शनल सा चीज बना दिया है जिसकी वजह से हमें उन्हें आर्टिस्ट बुलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट था ये 1940s में आया था, और इस कॉन्सेप्ट का नाम आर्ट ब्रड भी बोल सकते हैं या फिर रॉ आर्ट भी बोल सकते हैं। और इस तरह का अगर आपको एग्जाम्पल लेना है इस तरह का आर्ट का एग्जाम्पल इंडिया में, तो रॉक गार्डन एट चंडीगढ़ हो गया एक एग्जाम्पल, जहां एक बंदे ने कई साल पहले जंगल को साफ करते करते, ताकि वो वहां पे गार्डन बना सके, जंगल को साफ करते करते गलती से या फिर जानबूझ के जो भी है एक बहुत सारे स्कल्पचर्स बना दिए, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और एक आर्टिस्ट ही उसे बना सकता था उस टाइप का कुछ। तो अब ये आर्टिकल आगे तुम लोग खुद पढ़ लेना, एक बार रीडिंग डाल लेना। देखो इस आर्टिकल से क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, बट देखो मैं गारंटी नहीं देख सकता, अब 4-5 साल में एक बार आ गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ एक बार बस रीडिंग डाल लेना, आने का चांसेस बहुत कम है इससे कोई क्वेश्चन। तो अब फाइनली ये बोलने का टाइम आ चुका है कि हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, पर देखो कुछ अच्छी बातें बताता हूँ उस चैप्टर के बारे में। सबसे पहला कि ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, दूसरा अच्छी बात इसमें ज़्यादा डेट्स याद करने की तुम लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, और जो थोड़ी सी तुम्हें याद करनी रहेगी वो है फैक्ट्स। सबसे पहली बात वो छोटी छोटी जो स्टोरी थी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो याद रखना, और डिफरेंस याद रखना यूरोपियन एशियन चाइनीज पेंटिंग में और वेस्टर्न पेंटिंग वही एशियन पेंटिंग, ये सब के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस याद रखना, यिंग और यांग के बारे में तुम्हें पता रहना चाहिए, बस काफी है इस चैप्टर के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुकेशनल भैया, एंड आज की वीडियो जो है वो आयुष के जरिए एक्सप्लेन की गई है, जो मेरा दोस्त है जिसका चैनल का नेम है अनएंडिंग एजुकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप जाके उसे चेकआउट कर ले, आप उसे सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो है इसे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। अगर 2K जल्दी हो जाता है तो कुछ सरप्राइज उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशनल भैया। तो बहुत दिनों बाद हम इस चैनल पे मिल रहे हैं, पहले तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आप लोग कैसे हो, फिर वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखो यानी कि एंड तक देखो, और उसके बाद मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो आज हम लोग क्लास 11th के हॉटमेल बुक का चैप्टर नंबर 5 द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल पढ़ेंगे, रिटन बाय नानी पालकीवाला। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, और आपको इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। बस आपको ये करना है कि वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना। इस चैप्टर में हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमंस धीरे धीरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स लिया गया जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बचा सके। तो इस चैप्टर में बस आप लोग ये समझ लो कि हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ऑथर चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक ग्रीन मूवमेंट के बारे में बताते हैं। तो अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि आखिर ये ग्रीन मूवमेंट है क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो ग्रीन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो न्यूजीलैंड में लॉन्च हुआ, और ये पहला एफर्ट था हमारे अपने प्यारे प्लैनेट अर्थ को बचाने के लिए, और इससे पहले इतनी बड़ी मूवमेंट कभी भी लॉन्च नहीं हुई थी जिसमें इंटायर ह्यूमन रेस इन्वॉल्व थे। 1972 में वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी को ढूंढा गया न्यूजीलैंड में, और उसके बाद से इस मूवमेंट ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद से ये मूवमेंट हमेशा ग्रो करता जा रहा है।
इसके बाद ऑर्थर हमें बताते हैं कि हमने अपने व्यूज को मैकेनिस्टिक व्यू से होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू में शिफ्ट कर लिया है। इसका मतलब ये है कि पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था तब प्रोड्यूसर्स ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करके अपने प्रोडक्शन को हाई करते थे और एनवायरनमेंट को हार्म करते थे, पर अब हम होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू में शिफ्ट हो रहे हैं जिसमें हम फर्स्ट प्रायोरिटी अपने एनवायरनमेंट को देते हैं। और ऑथर हमें ये बताते हैं कि ये शिफ्ट ह्यूमन परसेप्शन में इतना रिवॉल्यूशनरी था जैसे कि जब कॉपरनिकस ने 16th सेंचुरी में ये बताया कि अर्थ और सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इस मूवमेंट के कारण पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में अर्थ के लिए एक ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस ग्रो कर रही है कि अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हम इस ऑर्गेनिज्म का एक छोटा सा पार्ट है और इस ऑर्गेनिज्म का भी कुछ नीड्स है और कुछ वाइटल प्रोसेसेस है जिसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और इसको प्रिजर्व करना चाहिए। इसके बाद ऑथर हमें ये बताते हैं कि जो भी साइंस हमें अर्थ देती है जैसे कभी अर्थक्वेक आना, कभी ड्राउट आना, तो कभी फ्लड आना, ये सब चीजों से हमें ये पता चलता है कि अर्थ की कंडीशन एक पेशेंट की तरह है और इसकी हेल्थ हम ह्यूमंस के चलते लगातार डाउन होती जा रही है। इसी के चलते हमें अपनी एथिकल ऑब्लिगेशन के बारे में रियलाइजेशन होने लगी है, मतलब जो सही चीजें है वो हमें फॉलो करनी चाहिए कि हमें इस प्लैनेट को अच्छे से एक ऑर्गेनाइज मैनर में चलाना चाहिए और हम ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए इस प्लैनेट को अच्छे से हैंडओवर करने के लिए। इसके बाद ऑथर हमें ये बताते हैं कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट था और ये कॉन्सेप्ट 1987 में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो मुझे ये लगता है कि जो भी मेरे प्यारे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब तो पता ही होगा और डेफिनेशन तो पता ही होगा क्योंकि आप लोग क्लास 10 में इसे पढ़ चुके हो। तो इसका मतलब जानने में हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि एक जू है लुसाका जाम्बिया में जहाँ पे एक केज है और वहाँ पे एक नोटिस लिखा होता है और वो नोटिस था द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके आप बताओ कि आपके हिसाब से द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल उस केज में कौन सा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो चलिए इसका आंसर मैं दे देता हूँ। उस केज के अंदर एक मिरर रखा हुआ था और उस केज में कोई भी एनिमल नहीं था और उस मिरर में हमें अपनी ही इमेज दिखती है। अब ऑथर कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी एजेंसीज है डिफरेंट कंट्रीज में जो ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही है कि जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है जो इस अर्थ के लिए डेंजरस है वो हम ह्यूमंस ही हैं और हमें अर्थ के रिसोर्सेस को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि ह्यूमंस के अलावा टोटल 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज इस अर्थ में एग्जिस्ट करती है और बहुत सारे एस्टिमेट्स हमें ये बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऐसे भी स्पीसीज है जो कि अनटच्ड है जिसके बारे में ह्यूमंस को पता नहीं है। बायोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि कुछ 3 से 100 मिलियन स्पीसीज ऐसी भी है जो काफी मिजरेबल कंडीशन में रह रही है और उनके बारे में कोई भी नहीं जानता है और ये काफी दुख की बात है। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि कुछ इंटरनेशनल कमीशन पे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पे एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्रैट कमीशन के द्वारा,
और उस कमीशन में एक इंडियन मेंबर भी थे जिनका नाम मिस्टर एलके झा था। उस फर्स्ट ब्रेथ रिपोर्ट में एक क्वेश्चन रेज किया गया था और वो क्वेश्चन ये था कि क्या हम अपने फ्यूचर जेनरेशन को एक ड्राइट प्लैनेट देने वाले हैं जिसमें केवल डेजर्ट होंगे और काफी बुरी कंडीशन होगी। इसके बाद मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपने बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में ये पॉइंट आउट किया था कि अर्थ के चार प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। ये बायोलॉजिकल सिस्टम हमें केवल फूड ही प्रोवाइड नहीं करती पर वर्चुअली ये सारे रॉ मटेरियल हमारे इंडस्ट्रीज को एक्सेप्ट मिनरल एंड पेट्रोलियम को छोड़कर सारे रॉ मटेरियल हमें यहीं से मिलते हैं। लेकिन इनके लार्ज एरियाज को ह्यूमंस ने इतना ज्यादा यूज कर लिया है और ये एक अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच गई है और उनकी प्रोडक्टिविटी काफी कम हो गई है। और जब ऐसा होता है तो फिशरीज कोलैप्स हो जाती है, फॉरेस्ट डिसअपीयर हो जाते हैं, ग्रासलैंड कन्वर्ट हो जाते हैं बैरन लैंड में और क्रॉपलैंड डिटोरिएट हो जाती है। पुअर कंट्रीज में लोकल फॉरेस्ट को हाई रेट में खरीद लिया जाता है ताकि फायरवुड अवेलेबल हो सके कुकिंग के लिए। कुछ प्लेसेस में तो फायरवुड इतना महंगा हो गया है कि पुअर्स को उसे खरीद पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जिन्हें डॉक्टर मेयर्स द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, इसके डिप्लीशन के कारण काफी सारे स्पीशीज को एक्सटिंक्शन फेस करना पड़ा है। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि इट हैज बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रेसीड्स मैनकाइंड, डेजर्ट फॉलोज। इसका मतलब ये है कि फॉरेस्ट हमेशा मैनकाइंड से पहले आता है और हमें उन्हें हमेशा सेव करना चाहिए। और ऑथर ये भी कहते हैं कि जो हमारे वर्ल्ड के जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जो हमें एंशियंट टाइम से मिले हैं वो इतना ज़्यादा इरोड कर रहे हैं जो है 40 से 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। और साथ ही में जो काउ डंग का यूज होता है बर्निंग पर्पसेस के लिए उसके कारण सॉइल की जो फर्टिलिटी है, क्वालिटी है, वो डिक्रीज होते जा रही है। डंक एक नेचुरल सॉइल फर्टिलाइजर की तरह काम करती है लेकिन जब उसे बर्न किया जाता है तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन के साथ साथ सॉइल की फर्टिलिटी पे भी असर पड़ती है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक की जो एस्टिमेट्स है जो बताती है कि ईयर 2000 की फ्यूलवुड की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें अपनी फॉरेस्ट प्लांटिंग रेट को 5 times तक बढ़ानी पड़ेगी। तो ऑथर हमें आगे ये बताते हैं कि जेम्स पेथ जो कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है वो बोलते हैं कि हम लोग 1 acre नहीं बल्कि 1.5 acre लैंड पर सेकेंड लूज करते जा रहे हैं। यानी कि जो ह्यूमंस है वो पर सेकेंड 1.5 acres ऑफ लैंड को बर्बाद करते जा रहे हैं अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इसके बाद ऑर्थर कहते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48 में हमें ये बताया गया है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो इसका ये मतलब है कि हम जो इस कंट्री के लोग हैं उन्हें एक सिंसियर अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सके और अपने वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को सेफगार्ड कर सके। पर ये काफ़ी दुख की बात है कि हमारे कंट्री में लॉस तो बना दिए जाते हैं पर उन लॉस को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता और ना ही उन्हें कोई फॉलो करता है। तो ऑर्थर इसका एग्जाम्पल देते हुए हमें कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर अबॉलिश है
और इन्हें फॉलो नहीं किया जा सकता, पर आज भी हम इन्हें बहुत सारे जगहों पे ऑब्जर्व करते हैं और अभी भी ये बहुत सारे जगहों पे सेमलेसली परफॉर्म किए जा रहे हैं, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए 40 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और इसके बाद एक रीसेंट रिपोर्ट हमारे पार्लियामेंट कमिटी के हिसाब से जो ये बताती है कि पिछले 4 डिकेड से काफ़ी डिजास्ट्रस मैनर में फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं और कुछ डेटा के हिसाब से हम 3.7 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड हर ईयर लूज कर देते हैं, यानी कि बर्बाद कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे बड़े एरियाज हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने ऑफिशियली फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर किया है, पर असल में उन एरियाज में आपको कोई भी ट्रीज देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद ऑर्थर हमें कहते हैं कि जो एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट है वो 8 times कम है जो भी डाटा हमें गवर्नमेंट दिखाती है। इसके बाद ऑर्थर हमें बताते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने 3 years की स्टडी की यूजिंग सैटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफी, और वो एक डाटा के हिसाब से हमें बताते हैं कि वो हमें वार्न करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसकी कंडीशन दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होते जा रही है, यानी कि और ज़्यादा क्रिटिकल होते जा रही है उन 88 कंट्रीज में जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई। इसके बाद ऑर्थर हमें बताते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ग्रोथ है हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन का वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है जिसके कारण ह्यूमन सोसाइटी का फ्यूचर इफेक्ट हो रहा है। हमारे मैनकाइंड को मोर देन मिलियंस ऑफ ईयर लग गए 1 billion ऑफ पॉपुलेशन को क्रॉस करने में, और ये टाइम था ईयर 1800। और उसके 100 सालों के बाद ही हम लोगों ने 1 billion पॉपुलेशन को क्रॉस कर लिया जो था ईयर 1900, और 20th सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते 3.7 बिलियन पीपल और ऐड हो गए हमारे पॉपुलेशन में, और प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन 5.7 बिलियन पहुंच गई है। एक एस्टिमेट से ये पता चला है कि हर 4 दिनों में वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 मिलियन तक इंक्रीज हो जाती है। सो दोस्तों, ये जो डाटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये प्रेजेंट टाइम का नहीं है, प्रेजेंट टाइम के डाटा में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, तो उन चेंजेस को मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा अगर मैं आप लोगों को उन डाटा के बारे में बताऊँ। तो आगे बढ़ते हैं, फिर ऑर्थर हमें बताते हैं कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है रिसोर्सेस की, जिसके कारण एनवायरनमेंट में ज़्यादा प्रेशर पड़ रही है। जैसे जैसे एजुकेशन स्प्रेड हो रही है वैसे वैसे ह्यूमंस की हेल्थ में भी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है, जिसके कारण हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन भी डिक्रीज नहीं हो रही है। बस डेवलपमेंट ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे हम एनवायरनमेंट से थोड़ा प्रेशर कम कर सकते हैं, पर डेवलपमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी अगर हमारी पॉपुलेशन इतनी फास्ट रेट में ग्रो करते रहेगी। साथ ही में जो रिच होते हैं वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, और जो पुअर होते हैं उनके यूजुअली बहुत सारे चिल्ड्रंस होते हैं जिसके कारण उन्हें और ज़्यादा पॉवर्टी में रहना पड़ता है, क्योंकि पहले ही उनके पास रिसोर्सेस कम होती है और उनकी बड़े फैमिली साइज के कारण वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पुअर्स को ये अवेयर करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा बड़ी फैमिली का ये कभी मतलब नहीं होता है कि उनके पास ज़्यादा वर्कर्स हो, बल्कि वहाँ ज़्यादा लोग होंगे जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी।
जिसके कारण वो और ज्यादा पुअर हो जाएंगे। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का और कोई अल्टरनेटिव नहीं है वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग के अलावा। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 920 मिलियंस है, जो कि अफ्रीका और साउथ अफ्रीका की पूरी पॉपुलेशन को मिला करके भी इंडिया की पॉपुलेशन उनसे ज़्यादा है। और इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारे कंट्री में रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी जिसके कारण काफ़ी सारे लोगों की लाइफ इफेक्ट हो सकती है। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम था पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में कि एनवायरनमेंट के लिए इतना कंसर्न दिखाया जा रहा था। और कंसर्न केवल ह्यूमंस के लिए नहीं था बल्कि हमारे अपने प्लैनेट के सर्वाइवल के लिए भी है। हमने होलिस्टिक व्यू को इनकल्केट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसका मतलब होता है कि हमें सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ताकि हम बैलेंस्ड तरीके से ग्रो कर सके। और जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे डिस्ट्रक्शन के लिए है, बल्कि वो हमारा एक पासपोर्ट भी हो सकता है फ्यूचर जनरेशन के लिए। और अगर हम उसे अभी सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाए, एक होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू रखे अपने वर्ल्ड के लिए और पूरे वर्ल्ड को एज अ होल कंसीडर करना स्टार्ट करना ही, उन्हें अलग अलग टुकड़ों में नहीं देखना ही एक मात्र सॉल्यूशन है पूरे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। और जो इंडस्ट्रीज है वो मोस्ट क्रूशियल रोल प्ले करती है न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वही इफेक्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट को। ट्यूब पॉन्ड जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके डायरेक्टर मिस्टर एडगर एस वोलार्ड है, उन्होंने 5 सालों पहले अपने आप को कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर डिक्लेयर कर लिया और सारे बिजनेसमैन को ये चीज़ उनसे सीखनी चाहिए। अब वो बोलते हैं कि हम लोग कंटिन्यूस लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं अपनी फील्ड में, और इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने एनवायरमेंट के परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। इसके बाद ऑर्थर हमें बताते हैं कि जितने भी स्टेटमेंट मार्गरेट थ्रेचर ने दिए थे अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम पर, उनमें से जो सबसे अच्छा स्टेटमेंट था, जो सबसे ज़्यादा डिलाइटफुल था, वो ये था कि नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी विथ अ फुल रिपेनिंग लीज। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि किसी भी जनरेशन के पास ये ऑथोरिटी नहीं है कि वो अर्थ के सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर दे, या फिर उनके पास फ्री होल्ड नहीं है कि वो सारे रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर ले। और हम सब यहाँ लाइफ टेनेंसी में है, मतलब हम सब यहाँ पर रहते हैं एज अ टेनेंट्स विथ फुल रिपेयरिंग लीज, यानी हमें इन्हें पूरी तरह से रिपेयर रखना चाहिए अपने पूरे लाइफ टाइम में। और मिस्टर लेस्टर ब्राउन कहते हैं कि ये अर्थ हमने अपने फोरफादर से उधार में नहीं लिया है बल्कि अपने बच्चों से उधार में लिया है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये चैप्टर का पार्ट टू भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को कर देना एक लाइक, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुकेशनल भैया। एंड आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारे प्यारे से हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द ब्राउनिंग वर्जन।
जिसे लिखे हैं टेरेंस रेटिगेन ने। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं, यानी कि कुछ स्टोरीज ऐसी भी होती है जिसका ना हाथ होता है ना पैर होता है, यानी कि वो चैप्टर में कोई सेंस और लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होती, वो कहीं से भी शुरू होता है और कहीं पे भी खत्म हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि ये शुरू ऐसे क्यों हुआ और एंड ऐसे क्यों हुआ। तो अब कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई तू ऐसी बातें यहाँ पे क्यों कर रहा है। तो यार मैं उन कुछ लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दिमाग फट जाएगा, छोटा सा दिमाग है, उसे मतलब अच्छी चीजों में लगाओ, इग्नोर मारो जो भी मैंने अभी बोला। तो चलिए आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। देखो ये जो चैप्टर है ना, द ब्राउनिंग वर्जन, ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा बुक है। और तुम लोग सोच रहे होगे कि हमें तो कुछ ही पेजेस पढ़ने हैं, जैसे 4 या 5 पेजेस पढ़ने हैं। तो देखो भाई ये एक बहुत बड़ा सा बुक है जिसके बीच के कुछ पार्ट को हमारे बुक में दिया गया है, कुछ क्या बहुत छोटे से पार्ट को दिया गया है। और इस जो बहुत छोटा सा पार्ट है इसमें कौन कौन है, इसमें बेसिकली 4 कैरेक्टर्स है, ठीक है। सबसे पहला है टैपलो जो कि 16 साल का लड़का है, दूसरे हैं फ्रैंक जो कि एक बहुत ही यंग टीचर है, यंग टीचर मतलब समझ ही रहोगे यार। और तीसरे जो है एक मिडिल एज्ड टीचर है जिनका नाम है क्रॉकर हैरिस, और उनकी वाइफ है जिनका नाम है मिली क्रॉकर हैरिस, ठीक है। तो बस यही 4 कैरेक्टर है और इन्हीं पे पूरा स्टोरी घूमेगा बेसिकली। देखो टैपलो और फ्रैंक मेन है क्योंकि ज्यादातर पार्ट जो हमारा ये स्टोरी का है या फिर हमारे जो चैप्टर का है इन्हीं के सराउंडिंग में घूम रहा है। तो चलिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। हमारा प्ले कुछ इस प्रकार शुरू होता है, टैपलो क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा होता है, ठीक है। टैपलो जो 16 साल का लड़का है वो अपने टीचर क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा है, तभी वहां पे फ्रैंक आते हैं। फ्रैंक कौन है, वहां के यंगेस्ट टीचर समझ लो, ठीक है। वो आते हैं और वो पूछते हैं टैपलो से कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो टैपलो रिप्लाई करता है कि नो सर, मैं आपको नहीं जानता हूँ। फिर फ्रैंक पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो टैपलो रिप्लाई करके कहता है सर टैपलो। फिर फ्रैंक पूछते हैं कि क्या तुम एक साइंटिस्ट हो, तो टैपलो कहता है नो सर, अभी तक तो मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, अभी तक तो मैं लोअर 5th grade में हूँ, और अगर नेक्स्ट टर्म तक मैंने अच्छा परफॉर्म किया और मैं अभी जो रिजल्ट आ रहा उसमें पास हो गया तो शायद मैं इसमें स्पेशलाइज्ड हो जाऊं और शायद मैं साइंटिस्ट कुछ टाइम में बन जाऊं, ठीक है। अभी टाइम है उसका साइंटिस्ट बनने में। तो फिर फ्रैंक पूछते हैं कि तुम्हें अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। फिर टैपलो रिप्लाई करता है और कहता है कि नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने हमें अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं बताया है। तो फिर फ्रैंक बोलते हैं कि क्यों नहीं। तो फिर टैपलो कहता है कि सर आपको तो पता ही होगा कि वो क्या चाहते हैं। फिर फ्रैंक बोलते हैं कि हाँ हाँ मुझे पता है कि हेडमास्टर जो होते हैं उन्हें एक रूल है, मतलब उन्हें बताया गया है कि टर्म के लास्ट डे में ही सबको रिजल्ट बताना है, पर इस रूल को तो कोई फॉलो नहीं करता है। ऐसा टैपलो कहता है कि सर ये रूल को तो कोई फॉलो नहीं करता है एक्सेप्ट क्रॉकर हैरिस के। फिर फ्रैंक रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं भी मानता हूँ कि मैं भी इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता हूँ, पर अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम्हें कल तक का तो वेट करना ही होगा कि तुम अपना फेट यानी कि फ्यूचर जान सको, यानी कि अपना रिजल्ट जान सको। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कल ही टर्म का आखिरी दिन है। अब टैपलो रिप्लाई करता है और कहता है कि यस सर। फिर फ्रैंक बोलते हैं कि अच्छा अगर तुम पास हो गए तो तुम क्या लोगे। तो फिर टैपलो रिप्लाई करता है ओ साइंस सर। तो फिर फ्रैंक पूछते हैं कि नहीं यार मुझे फिर से वो स्लैकर्स नहीं चाहिए। तो फिर टैपलो कहता है कि नो नो सर, मैं स्लैकर्स नहीं हूँ, मुझे साइंस बहुत ही ज्यादा पसंद है एक्सेस। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि स्लैकर्स वो स्टूडेंट होते हैं जो कि बस जोश जोश में साइंस ले लेते हैं और उन्हें साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर फ्रैंक बोलते हैं कि आर यू श्योर कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, यानी कि साइंस में इंटरेस्टेड हो। तो टैपलो कहता है कि यस सर। तो फिर फ्रैंक कहते हैं नहीं यार मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एटलीस्ट वो सब्जेक्ट में जो कि मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो टैपलो कहता है कि सर जो भी हो मुझे साइंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है और एटलीस्ट साइंस का बुक इस मक से तो अच्छा ही है। यहाँ पे जो टैपलो है वो एक बुक की तरफ इंडिकेट करता है और उसे मक कहता है, मक का मतलब होता है कचड़ा। तो वो कहता है कि सर इस कचड़े से अच्छा तो साइंस का बुक है ना। तो फिर वो कहते हैं कि वो कचड़ा है, वो कचड़ा जिसे तुम कह रहे हो वो कौन सा बुक है। तो फिर वो कहता है असाइलस सर द एग्मेनम। फिर फ्रैंक बोलते हैं कि तुम्हें एग्मेनम मक लगता है यानी कि कचड़ा लगता है।
फिर टैपलो रिप्लाई करता है कि वेल नो सर, ये पूरी तरह से भी कचरा नहीं है, मतलब कि हाँ इसका प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है जिसमें एक वाइफ अपनी हस्बैंड का मर्डर कर देती है और इसी तरह का बात है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, पर जिस तरह से हमें ये पढ़ाया जाता है और जिस तरह से इसके अंदर बीच में ग्रीक वर्ड को ठूस दिया गया है 50-50s ऑफ लाइंस में, ये दिमाग खराब कर देता है, दिमाग का दूध दही कर देता है, ऐसा कुछ टैपलो कहना चाहता है। फिर फ्रैंक बोलते हैं, तुम काफी बिटर साउंड कर रहे हो यार, मैं अभी सोच रहा था कि ये अगर इंडियन होता तो ये कैसे बोलता, तुम काफी कड़वे साउंड कर रहे हो, समझ रहे हो ना। फिर टैपलो रिप्लाई करता और कहता है कि हाँ सर, अब और क्या ही कह सकता हूँ। फिर फ्रैंक बोलते हैं कि क्या तुम किपिन में हो, यानी कि क्या तुम्हें किसी ने पनिशमेंट दिया है। तो फिर टैपलो कहता है नो सर, मैं एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया हूँ। तो फिर फ्रैंक कहते हैं एक्स्ट्रा वर्क, वो भी स्कूल के लास्ट डे पे। फिर टैपलो कहता है कि हाँ सर, मैं पिछले वीक के लास्ट डे पे एबसेंट हो गया था, इसलिए मुझे आज एक्स्ट्रा वर्क के लिए आना पड़ा, वरना मैं भी दूसरों बच्चों की तरह अभी गोल्फ खेल रहा होता, देखिए कितना अच्छा वेदर है। तो फिर फ्रैंक बोलते हैं कि हाँ बैड लक, पर क्या पता इसमें भी तुम्हें एक फायदा हो जाए, यानी कि तुम एक ऐसे बच्चे हो जो कि स्कूल के लास्ट डे पे भी शाम में जहाँ दूसरे बच्चे खेल रहे होते हैं तुम एक्स्ट्रा वर्क के लिए आए हो, तो हो सकता है तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए इसके लिए। तो फिर टैपलो कहता है वेल, अगर ऑर्डिनरी टीचर होते, दूसरे टीचर होते, तो हाँ वो शायद इस पे मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते, पर ये चीज़ ना हमारे क्रॉकर हैरिस पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो रूल्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और वो इन सब चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स तो देने वाले हैं नहीं। फिर टैपलो कहता है कि पता है फ्रैंक सर कि उन्होंने क्या बोला था कल जब मैंने उनसे पूछा था ऐसी फ्रेंडली वे में कि सर मुझे कितने मार्क्स आए हैं। तो फ्रैंक कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, पर बताओ उन्होंने क्या कहा था। फिर टैपलो अपने सर का यानी कि क्रॉकर हैरिस सर का आवाज नकल करते हुए एकदम जेंटल टोन में कहता है कि माय डियर टैपलो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड नो मोर, यानी कि तुम्हें उतना ही मार्क्स मिला है जितना तुम डिजर्व करते थे। फिर टैपलो कहता है कि सर मुझे तो लगता है कि मैं पिछले वीक जो एबसेंट था उसके लिए वो तो मेरा और ग्रेड घटा दिए होंगे, और मुझे तो लगता ही नहीं है कि क्रॉकर हैरिस सर ह्यूमन भी है। फिर वो कहता है कि सॉरी सर, क्या मैं बहुत ज्यादा आगे चला गया। फिर फ्रैंक कहते हैं कि हाँ बेटा, तुम कुछ ज्यादा ही आगे चले गए, समझ रहे हो ना। फिर टैपलो कहते हैं सॉरी सर, मैं तो फ्लो में निकल गया। फिर फ्रैंक बगल में पड़े न्यूज़पेपर को उठाते हैं, उसे खोलते हैं और फिर बैठते हुए बोलते हैं अच्छा टैपलो। फिर टैपलो कहता है यस सर। अच्छा तुम मुझे फिर से बताओ ना कि एक्चुअली मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने किस तरह से तुम्हें बोला था। तो फिर जो टैपलो होता है वो वापस से रिपीट करता है कि तुम्हें उतने ही मार्क्स मिले हैं जितना तुम डिजर्व करते हो। फिर फ्रैंक कहते हैं कि नहीं, तुम बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं बोले, एक्चुअली तुम एक काम करो, तुम वही अच्छा सा प्यारा सा एसलस पढ़ो, तुम्हारे लिए वही चीज सही है और तुम चुप बैठो। फिर टैपलो डिसलाइक टोन में कहता है एसलस। फिर फ्रैंक बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें किस टाइम पे मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने आने के बोला था। तो वो बोलता है सर 6:30। तो कहते हैं फ्रैंक कहते हैं कि वो तो अभी तक 10 मिनट्स लेट है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम यहाँ से कट क्यों नहीं लेते, निकल क्यों नहीं लेते हो, अभी भी टाइम है, तुम जाके गोल्फ खेल सकते हो। फिर टैपलो रिप्लाई करता है ओ नो सर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, मैं यहाँ से जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और अगर मैंने ऐसा किया भी तो भगवान ही जाने मेरे साथ क्या होगा, हो सकता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस मुझे मेरे घर तक फॉलो करते हुए आ जाए। फिर फ्रैंक बोलते हैं ओ हाँ मुझे भी पता है, तुम सारे लड़के मिस्टर क्रॉकर हैरिस से बहुत डरते हो, एक्चुअली ऐसा क्यों है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या वो तुम्हें मारते हैं या फिर कुछ और करते हैं, प्लीज मुझे बताओ तो जरा। और फ्रैंक ये भी बोलते हैं कि हाँ मैं उनसे थोड़ा बहुत जलता भी हूँ, क्योंकि तुम सारे लड़के उनके सामने डिसिप्लिन में रहते हो। तो फिर टैपलो कहते हैं कि और नो सर, वो हमें बिल्कुल नहीं मारते, वो किसी सैडिस्ट टाइप के पर्सन नहीं है, जैसे हमारे स्कूल में कुछ टीचर्स दूसरे टीचर्स हैं जो कि ये समझते हैं कि लड़के कुछ नहीं समझते और उन्हें मार पीट करके रखा जाए तो वो कंट्रोल में डिसिप्लिन में रहेंगे। तो फिर फ्रैंक कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आया, क्या तुम फिर से जोर से बोल सकते हो। तो फिर टैपलो कहता है कि अ सैडिस्ट सर, वो लोग जो कि दूसरों को दुख दर्द यानी कि पेन देके खुद अच्छा महसूस करते हैं, यानी कि दूसरों को पेन देके उन्हें अच्छा महसूस होता है। फिर फ्रैंक बोलते हैं कि अच्छा तो तुमने अभी कहा कि कुछ दूसरे टीचर्स हैं जो कि ऐसे हैं। फिर टैपलो रिप्लाई करता है कि हाँ सर, यहाँ पे हमारे स्कूल में भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं,
पर सर आप वैसे बिल्कुल नहीं है, आप बहुत ही यंग टीचर है एज वेल एज आप साइंस के टीचर हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि सैडिज्म क्या होता है। फिर फ्रैंक थोड़ा सा रुकते हैं और फिर टैपलो से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमारा स्कूल किस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर टैपलो रिप्लाई करता है और कहता है कि सर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो क्रॉकर हैरिस सर हैं वो एक सैडिस्ट नहीं है, और अगर वो ऐसे होते तो वो काफ़ी डरावने होते और एटलीस्ट उस टाइम उनके पास कुछ फीलिंग्स होती। पर अभी जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं उनके पास कोई फीलिंग्स नहीं है और उल्टा वो डरते हैं अंदर से कि, और वो डरते भी हैं और वो दूसरे को हेट भी करते हैं, वो उन लोगों को हेट करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। और फिर टैपलो कहता है कि मैं ऐसा कोई और टीचर को नहीं जानता जो कि ऐसा बनना चाहता है, यानी कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की तरह बनना चाहता है। फिर फ्रैंक भी बोलते हैं कि हाँ मैं भी ऐसा किसी को नहीं जानता जो कि जानबूझकर ऐसा बिहेव करे। फिर टैपलो रिप्लाई करता है और कहते हैं कि वैसे तो सर ये क्रॉक सर का नेचुरल बिहेवियर ही है। फिर फ्रैंक सर एकदम सीरियस टोन में कहते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलो। फिर टैपलो रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ सर वही मिस्टर क्रॉकर हैरिस। और पता है फनी थिंग तो ये है कि डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग मुझे वो सब बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि मुझे मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत पसंद है। और शायद इसी बात से कभी कभी मिस्टर क्रॉकर हैरिस खुद भी घबरा जाते हैं कि मैं उन्हें लाइक करता हूँ। फिर फ्रैंक बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। फिर टैपलो कहता है नो सर आई एम नॉट। वो कहता है कि सर मैं बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोल रहा। फिर वो एक किस्सा सुनाता है, वो कहता है कि एक दिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस सर ने क्लास में एक जोक क्रैक किया था जो कि क्लासिकल में था, क्लासिकल जोक था और बहुत ही हार्ड टर्म्स में था, हार्ड वर्ड्स में था, तो वो जो किसी को समझ में नहीं आता है पर जो टैपलो होते हैं वो उनका मन रखने के लिए हंस देते हैं। तो फिर पता है टैपलो मतलब मिस्टर क्रॉकर हैरिस टैपलो को क्या रिप्लाई देते हैं? तो फिर फ्रैंक बोलते हैं नहीं। तो फिर टैपलो कहता है कि सर मान लीजिए मैंने कोई जोक क्रैक किया है, मुझे वो जोक तो याद नहीं है पर मान लीजिए मैंने कोई हार्ड जोक क्रैक किया है जो आपको समझ में नहीं आता है, आप हंसिए। फिर फ्रैंक हंसते हैं। फिर जो टैपलो होता है वो कहता है, यानी कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस सर का एकदम आवाज नकल करते हुए वो कहता है कि सिंस मेरा जो छोटा सा जोक था उस पर तुम हंसे, जो कि लैटिन लैंग्वेज में था, जो कि बाकी किसी को समझ में नहीं आया, बस तुम्हें समझ में आया, इसका मतलब तुम्हें लैटिन लैंग्वेज की थोड़ी सी जानकारी है और तुम्हें समझ में आया, यानी कि तुम मेरे जोक पे हंसे, इसका मतलब तुम्हें भी मज़ा आया। और क्या तुम मेरे इसी जोक को दूसरे बच्चों को, यानी कि दूसरे स्टूडेंट को समझा सकते हो ताकि वो भी हंस सके? तो देखो अचानक से यहाँ पे ऑथर जो है वो इंटरप्ट कर रहे हैं हमारे प्ले के बीच में और फिर बोलते हैं कि उसी टाइम मिली क्रॉकर हैरिस गेट खोलकर उस जगह पे आ जाती है जिस जगह पे फ्रैंक और टैपलो बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि वो किस तरह से ड्रेस्ड है। वो बताते हैं कि वो जो मिली क्रॉकर हैरिस है, यानी कि क्रॉकर हैरिस की वाइफ, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली ड्रेस्ड है, जैसा कि कोई और टीचर की वाइफ नहीं होगी शायद से। और वो एक कैप पहनी हुई है और उनके हाथ में एक शॉपिंग बास्केट है। फिर यहाँ पे वो बता रहे हैं हमारे ऑथर कि मिली क्रॉकर हैरिस उस जगह पे कुछ टाइम तक खड़ी हुई है जब तक फ्रैंक और टैपलो उन्हें नोटिस नहीं करते हैं तब तक। और यहाँ पे प्ले कंटिन्यू है। जो फ्रैंक है वो पूछते हैं टैपलो से कि अब इतना सेल्फिश मत बनो, अब मुझे बता भी दो कि वो जो क्या था। फिर अचानक से फ्रैंक कहते हैं ओ लॉर्ड, यानी कि अचानक से घूमते हैं और कहते हैं ओ लॉर्ड, और अचानक से रिलीव फील करते हैं मिली को देख के। और फ्रैंक कहते हैं ओ हेलो, फिर मिली भी कहती है हेलो। और वो जो मिली होती है वो आराम से साइड बोर्ड के पास आती है और अपना बास्केट को, शॉपिंग बास्केट को वहाँ रख देती है। फिर वहाँ पे जो टैपलो होता है वो फ्रैंक की तरफ जाता है और एकदम विस्परिंग वॉइस में, यानी कि धीमी आवाज में पूछता है कि आपको क्या लगता है इन्होंने सब कुछ सुन लिया? फिर फ्रैंक सर जो होते हैं वो सिर हल्का सा मूव करते हुए, यानी कि हिलाते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे तो लगता है उन्होंने सुन ही लिया होगा क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी टाइम से खड़ी है। फिर टैपलो कहता है कि लगता है अब तो मैं बिल्कुल भी कल पास नहीं होने वाला अगर उन्होंने अपने हस्बैंड क्रॉकर हैरिस को बता दिया तो। ये सुन के फ्रैंक कहते हैं व्हाट नॉनसेंस, मतलब क्या बात कर रहे हो तुम। और उसके बाद वो वहां से उठ के फायरप्लेस के पास चले जाते हैं। और तभी जो मिली क्रॉकर हैरिस होती है वो बास्केट अपने साइड बोर्ड से उठाती है, थोड़ा आगे आती है और टेबल के ऊपर रख देती है। फिर मिली टैपलो से पूछती है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हो?
टैपलो कहता है यस मैम। फिर मिली कहती है कि वो तो अभी बुरसार्स में है और उन्हें यहाँ आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कब की यहाँ से चली जा चुकी होती। फिर टैपलो कहता है मुझे तो यहाँ आना था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर मिली कहती है अच्छा ठीक है तो तुम कुछ टाइम के लिए भाग क्यों नहीं जाते, क्वार्टर ऑफ एन आवर के लिए यानी कि 45 मिनट्स के लिए यहाँ भाग क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं आने वाले 45 मिनट से पहले। फिर टैपलो कहता है कि अगर वो मेरे से पहले यहाँ पे आ गए तो। फिर मिली कहती है कि कोई बात नहीं मैं ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगी कि मैंने इसे अपने काम से बाहर भेजा था। फिर मिली क्रॉकर हैरिस अपने बास्केट से एक दवाइयों का पुर्जा निकालती है और फिर टैपलो को देते हुए कहती है कि अगर वो तुमसे पहले यहाँ पे आ गए तो मैं कह दूंगी कि ये आपकी ही दवाइयाँ लेने गया था केमिस्ट के पास और मैंने ही इसे भेजा था, और इस तरह से वो तुम्हें डांटेंगे भी नहीं और तुम ये सारी दवाइयाँ लेते भी आना। फिर टैपलो कहता है ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस। फिर वो वहाँ से डोर को ओपन करते हुए बाहर की ओर निकल जाता है और इसी तरह हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। देखो ये जो चैप्टर है ना, मैं सच बोलूँ तो काफी चिंदी सा चैप्टर है, पर इसे पढ़ने के बाद हल्का सा इमोशनल फील होता है। पता नहीं मुझे ही फील हो रहा है या फिर तुम सभी को फील हो रहा है, आई डोंट नो। हो सकता है मैं कुछ ज्यादा इमोशनल आदमी हूँ, मुझे किसी भी चीज में इमोशनल फील होने लगता है, पर ये बात नहीं है। देखो मेन इस चैप्टर में हुआ क्या तुम सबको समझ में आ रहा होगा। फ्रैंक और टैपलो कुछ कुछ टॉपिक्स पे बात किए, फिर मिली क्रॉकर हैरिस आती है लास्ट में, और फिर जो भी ड्रामा हुआ तुम सब देख सकते हो। बेसिकली इस स्टोरी में ना जिन लोगों के बीच में बात हुई वो कौन कौन है, फ्रैंक टैपलो और मिली क्रॉकर हैरिस। और यहाँ पे जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो इस प्ले में नहीं है, बस उनके बारे में बात किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।